नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपको अच्छी अच्छी मूवी की रिव्यूज़ देता हूँ, जिसमें हॉलीवुड, बॉलीवुड, पंजाबी, साउथ इंडियन सारी फिल्म होती हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। इससे मोटिवेट होकर मैं आपको अच्छी अच्छी मूवी के रिव्यू ला के देता रहूँगा। दोस्तों, आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, वैसे तो बॉलीवुड हॉलीवुड दोनों ही मूवी के रिव्यू लेके आता हूँ, लेकिन जिस मूवी का रिव्यू आज मैं लेके आया हूँ वो एक बॉलीवुड मूवी है, जिसका नाम है चक दे इंडिया। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया इज़ अ 2007 इंडियन स्पोर्ट्स फिल्म विच इज़ डायरेक्टेड बाय शिमित अमीन, रिटन बाय जयदीप सहनी, प्रोड्यूस बाय आदित्य चोपड़ा, स्टारिंग डन बाय शाहरुख खान, विद्या मालवाड़े, शिल्पा शुक्ला, सागरिका घाटके, चित्रा शिरावत, विवान बैटेना, मोहित चौहान, जोश्री अरोरा, विवा छिब्बर, अनीता नायर। सिनेमाटोग्राफी डन बाय सुदीप चटर्जी। मूवी वॉज एडिटेड बाय अमिताभ शुक्ला। म्यूजिक गिवन बाय सलीम सुलेमान। प्रोडक्शन कंपनी ऑफ मूवी वॉज यशराज फिल्म। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय यशराज फिल्म। रिलीजिंग डेट ऑफ मूवी वॉज 10 अगस्त 2007। विद ड्यूरेशन 149 मिनट्स इन इंडिया एंड हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। द बजट ऑफ मूवी वॉज 20 करोड़ एंड अर्निंग एट बॉक्स ऑफिस वॉज नियरली 109 करोड़। इन दिस मूवी द फिल्म स्टार शाहरुख खान एज कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मैंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम। आफ्टर आर डिसास्ट्रस लॉस ऑफ पाकिस्तान खास इज ऑब्स्ट्रक राइट फ्रॉम द स्पोर्ट ओनिंग टू रिलीज यर प्रोड्यूस 7 years later इन एन अटेम्प्ट टू रिडीम हिमसेल्फ ही बिकम द कोच ऑफ इंडियन नेशनल वुमेन्स हॉकी टीम विद द गोल ऑफ टर्निंग इट्स 16 continental प्लेयर इन टू एन अवार्ड विनिंग टीम। द फिल्म इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ मीर रंजन नेगी। सानिया स्क्रीन राइटर वॉज इंस्पायर्ड बाय द इंडियन वुमेन्स नेशनल फील्ड हॉकी टीम्स विन एट द 2002 कॉमनवेल्थ गेम टू डेवलप चक दे इंडिया स्क्रिप्ट आफ्टर रीडिंग अबाउट इट इन ए न्यूज़पेपर। द स्क्रीन प्ले वॉज फिक्शनल एंड द करेक्टर्स वर इंस्पायर्ड बाय रियल टीम एंड कोचेज वर इन्वेंटेड बाय सहानी। कबीर खान स्ट्रगल
बोर रिजेंबल्स ऑफ द फेस फेस बाय रियल हॉकी लाइक प्लेयर मी रंजन नेगी ऑल्दो सानी वॉज अनअवेयर ऑफ नेगीज ट्रिबुलेशन वाइल राइटिंग द स्क्रिप्ट ऑन द सजेशन ऑफ महाराजा कृष्ण कौशिक द कोचिज ऑफ वुमेन्स हॉकी टीम सानी इन्वाइटेड नेगी टू ज्वाइन द फिल्म प्रोडक्शन टीम इन दिस मूवी चक दे इंडिया ओपन्स इन दिल्ली ड्यूरिंग द फाइनल मिनट्स ऑफ हॉकी वर्ल्ड कप मैच बिटवीन पाकिस्तान इंडिया द पाकिस्तान लीडिंग 1-0 व्हेन इंडियन टीम कैप्टन कबीर सिंह इज फोल्डेड ही टेक्स अ पेनल्टी स्ट्रोक हिज शॉट जस्ट मिसेस कॉजिंग इंडिया टू लूज द मैच सून आफ्टरवर्ड मीडिया आउटलेट्स सर्कुलेट अ फोटोग्राफ ऑफ खान शेकिंग हैंड्स एंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग द पाकिस्तान कैप्टन द सपोर्टिंग गेस्चर इज अंडरस्टूड एंड खान इज सस्पेक्टेड ऑफ थ्रोइंग द गेम आउट ऑफ सिंपैथी टुवर्ड्स पाकिस्तान नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल में दोस्तों इस चैनल पर मैं आपको अच्छी अच्छी मूवी के रिव्यूज़ देता हूँ जिसमें हॉलीवुड बॉलीवुड पंजाबी साउथ इंडियन सारी फिल्म होती हैं दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें वीडियो को शेयर करें इससे मोटिवेट होकर मैं आपको अच्छी अच्छी मूवी के रिव्यू ला के देता रहूँगा दोस्तों आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों वैसे तो बॉलीवुड हॉलीवुड दोनों ही मूवी के रिव्यू लेके आता हूँ लेकिन जिस मूवी का रिव्यू आज मैं लेके आया हूँ वो एक बॉलीवुड मूवी है जिसका नाम है चक दे इंडिया तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए चक दे इंडिया इज़ अ 2007 इंडियन स्पोर्ट्स फिल्म विच इज़ डायरेक्टेड बाय शिमित अमीन रिटन बाय जयदीप सहनी प्रोड्यूस बाय आदित्य चोपड़ा स्टारिंग डन बाय शाहरुख खान विद्या मालवाड़े शिल्पा शुक्ला सागरिका घाटके चित्रा शिरावत विवान बैटेना मोहित चौहान जोश्री अरोरा विवा छिब्बर अनीता नायर सिनेमाटोग्राफी डन बाय सुदीप चटर्जी मूवी वॉज एडिटेड बाय अमिताभ शुक्ला म्यूजिक गिवन बाय सलीम सुलेमान प्रोडक्शन कंपनी ऑफ मूवी वॉज यशराज फिल्म डिस्ट्रीब्यूटेड बाय यशराज फिल्म रिलीजिंग डेट ऑफ मूवी वॉज 10 अगस्त 2007 विद ड्यूरेशन 149 मिनट्स इन इंडिया इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज द बजट ऑफ मूवी वॉज 20 करोड़ एंड अर्निंग एट बॉक्स ऑफिस वॉज नियरली 109 करोड़ इन दिस मूवी द फिल्म स्टार शाहरुख खान एज कबीर खान फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मैंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम आफ्टर आर डिसास्ट्रस लॉस ऑफ पाकिस्तान खास इज ऑब्स्ट्रक राइट फ्रॉम द स्पोर्ट ओनिंग टू रिलीज यर प्रोड्यूस 7 years later इन एन अटेम्प्ट टू रिडीम हिमसेल्फ ही बिकम द कोच ऑफ इंडियन नेशनल वुमेन्स हॉकी टीम विद द गोल ऑफ टर्निंग इट्स 16 कॉन्टिनेंटल प्लेयर इंटू एन अवार्ड विनिंग टीम द फिल्म इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ मीर रंजन नेगी सानिया स्क्रीन राइटर वॉज इंस्पायर्ड बाय द इंडियन वुमेन्स नेशनल फील्ड हॉकी टीम्स विन एट द 2002 कॉमनवेल्थ गेम टू डेवलप चक दे इंडिया स्क्रिप्ट आफ्टर रीडिंग अबाउट इट इन ए न्यूज़पेपर द स्क्रीन प्ले वॉज फिक्शनल एंड द करेक्टर्स वर इंस्पायर्ड बाय रियल टीम एंड कोचेज वर इन्वेंटेड बाय सहानी कबीर खान स्ट्रगल बोर रिजेंबल्स ऑफ द फेस फेस बाय रियल हॉकी लाइक प्लेयर मी रंजन नेगी ऑल्दो सहानी वॉज अनअवेयर ऑफ नेगीज ट्रिबुलेशन वाइल राइटिंग द स्क्रिप्ट ऑन द सजेशन ऑफ महाराजा कृष्ण कौशिक द कोचिज ऑफ वुमेन्स हॉकी टीम सानी इन्वाइटेड नेगी टू ज्वाइन द फिल्म प्रोडक्शन टीम इन दिस मूवी चक दे इंडिया ओपन्स इन दिल्ली ड्यूरिंग द फाइनल मिनट्स ऑफ हॉकी वर्ल्ड कप मैच बिटवीन पाकिस्तान इंडिया द पाकिस्तान लीडिंग 1-0 व्हेन इंडियन टीम कैप्टन कबीर सिंह इज फोल्डेड ही टेक्स अ पेनल्टी स्ट्रोक हिज शॉट जस्ट मिसेस कॉजिंग इंडिया टू लूज द मैच सून आफ्टरवर्ड मीडिया आउटलेट्स सर्कुलेट अ फोटोग्राफ ऑफ खान शेकिंग हैंड्स एंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग द पाकिस्तान कैप्टन द सपोर्टिंग गेस्चर इज अंडरस्टूड एंड खान इज सस्पेक्टेड ऑफ थ्रोइंग द गेम आउट ऑफ सिंपैथी टुवर्ड्स पाकिस्तान नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल में दोस्तों इस चैनल पर मैं आपको अच्छी अच्छी मूवी के रिव्यूज़ देता हूँ जिसमें हॉलीवुड बॉलीवुड पंजाबी साउथ इंडियन सारी फिल्म होती हैं दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें वीडियो को शेयर करें
इससे मोटिवेट होकर मैं आपको अच्छी अच्छी मूवी के रिव्यू ला के देता रहूँगा। दोस्तों आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों वैसे तो बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों ही मूवी के रिव्यू लेके आता हूँ, लेकिन जिस मूवी का रिव्यू आज मैं लेके आया हूँ वो एक बॉलीवुड मूवी है जिसका नाम है चक दे इंडिया। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया इज़ अ 2007 इंडियन स्पोर्ट्स फिल्म विच इज़ डायरेक्टेड बाय शिमित अमीन, रिटन बाय जयदीप सहनी, प्रोड्यूस बाय आदित्य चोपड़ा, स्टारिंग डन बाय शाहरुख खान, विद्या मालवाड़े, शिल्पा शुक्ला, सागरिका घाटके, चित्रा शेरावत, विवान बैटेना, मोहित चौहान, जोश्री अरोरा, विवा छिब्बर, अनीता नायर। सिनेमाटोग्राफी डन बाय सुदीप चटर्जी। मूवी वॉज एडिटेड बाय अमिताभ शुक्ला। म्यूजिक गिवन बाय सलीम सुलेमान। प्रोडक्शन कंपनी ऑफ मूवी वॉज यशराज फिल्म। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय यशराज फिल्म। रिलीजिंग डेट ऑफ मूवी वॉज 10 अगस्त 2007। विद ड्यूरेशन 149 मिनट्स इन इंडिया इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। द बजट ऑफ मूवी वॉज 20 करोड़ एंड अर्निंग एट बॉक्स ऑफिस वॉज नियरली 109 करोड़। इन दिस मूवी द फिल्म स्टार शाहरुख खान एज कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मैंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम। आफ्टर आर डिसास्ट्रस लॉस ऑफ पाकिस्तान खास इज ऑब्स्ट्रक राइट फ्रॉम द स्पोर्ट ओनिंग टू रिलीज यर प्रोड्यूस 7 years later in an attempt to redeem himself, he become the coach of Indian national women's hockey team with the goal of turning its 16 continental player into an award-winning team. The film is based on the life of Meer Ranjan Negi. Sahni, a screenwriter, was inspired by the Indian women's national field hockey team's win at the 2002 Commonwealth Games to develop Chak De India script after reading about it in a newspaper. The screenplay was fictional and the characters were inspired by a real team and coaches were invented by Sahani. Kabir Khan's struggles bore resemblance of the phase faced by real hockey life player Meer Ranjan Negi. Although Sahani was unaware of Negi's tribulation while writing the scripts, on the suggestion of Maharaja Krishan Kaushik, the coaches of women's hockey team, Sahani invited Negi to join the film's production team. In this movie, Chak De India opens in Delhi during the final minutes of Hockey World Cup match between Pakistan and India. The Pakistan leading 1-0 when Indian team captain Kabir Singh is folded. He takes a penalty stroke. His shot just misses, causing India to lose the match. Soon afterward, media outlets circulate a photograph of Khan shaking hands and congratulating the Pakistan captain. The supporting gesture is misunderstood and Khan is suspected of throwing the game out of sympathy towards Pakistan. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों इस चैनल पर मैं आपको अच्छी अच्छी मूवी के रिव्यूज़ देता हूँ जिसमें हॉलीवुड, बॉलीवुड, पंजाबी, साउथ इंडियन सारी फिल्म होती हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, इससे मोटिवेट होकर मैं आपको अच्छी अच्छी मूवी के रिव्यू ला के देता रहूँगा। दोस्तों आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों वैसे तो बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों ही मूवी के रिव्यू लेके आता हूँ, लेकिन जिस मूवी का रिव्यू आज मैं लेके आया हूँ वो एक बॉलीवुड मूवी है जिसका नाम है चक दे इंडिया। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया इज़ अ 2007 इंडियन स्पोर्ट्स फिल्म विच इज़ डायरेक्टेड बाय शिमित अमीन, रिटन बाय जयदीप सहनी, प्रोड्यूस बाय आदित्य चोपड़ा, स्टारिंग डन बाय शाहरुख खान, विद्या मालवाड़े, शिल्पा शुक्ला, सागरिका घाटके, चित्रा शेरावत, विवान बैटेना, मोहित चौहान, जोश्री अरोरा, विवा छिब्बर, अनीता नायर। सिनेमाटोग्राफी डन बाय सुदीप चटर्जी। मूवी वॉज एडिटेड बाय अमिताभ शुक्ला। म्यूजिक गिवन बाय सलीम सुलेमान। प्रोडक्शन कंपनी ऑफ मूवी वॉज यशराज फिल्म। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय यशराज फिल्म। रिलीजिंग डेट ऑफ मूवी वॉज 10 अगस्त 2007। विद ड्यूरेशन 149 मिनट्स इन इंडिया इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। द बजट ऑफ मूवी वॉज 20 करोड़ एंड अर्निंग एट बॉक्स ऑफिस वॉज नियरली
109 करोड़, इन दिस मूवी द फिल्म स्टार शाहरुख खान एज कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम. आफ्टर आर डिसास्ट्रस लॉस ऑफ पाकिस्तान खाजिज ऑब्स्ट्रक राइट फ्रॉम द स्पोर्ट ओनिंग टू रिलीज योर प्रोड्यूस 7 years later इन एन अटेम्प्ट टू रिडीम हिमसेल्फ ही बिकम द कोच ऑफ इंडियन नेशनल वुमेन्स हॉकी टीम विद द गोल ऑफ टर्निंग इट्स 16 कॉन्टिनेंटल प्लेयर इन टू एन अवार्ड विनिंग टीम. द फिल्म इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ मीर रंजन नेगी. सानिया स्क्रीन राइटर वॉज इंस्पायर्ड बाय द इंडियन वुमेन्स नेशनल फील्ड हॉकी टीम्स विन एट द 2002 कॉमनवेल्थ गेम टू डेवलप चक दे इंडिया स्क्रिप्ट आफ्टर रीडिंग अबाउट इट इन ए न्यूज़पेपर. द स्क्रीन प्ले वॉज फिक्शनल एंड द करेक्टर्स वर इंस्पायर्ड बाय रियल टीम एंड कोचेज वर इन्वेंटेड बाय सहानी. कबीर खान स्ट्रगल बोर रिजेंबल्स ऑफ द फेस फेस्ड बाय रियल हॉकी लाइफ प्लेयर मीर रंजन नेगी. ऑल्दो सहानी वॉज अनअवेयर नेगीज ट्रिबुलेशन वाइल राइटिंग द स्क्रिप्ट ऑन द सजेशन ऑफ महाराजा कृष्ण कौशिक द कोचिज ऑफ वुमेन्स हॉकी टीम सहानी इन्वाइटेड नेगी टू जॉइन द फिल्म प्रोडक्शन टीम. In this movie, Chak De, India opens in Delhi during the final minutes of Hockey World Cup match between Pakistan and India. The Pakistan leading 1-0 when Indian team captain Kabir Singh is folded. He takes a penalty stroke. His shot just misses, causing India to lose the match. Soon afterward, media outlets circulate a photograph of Khan shaking hands and congratulating the Pakistan captain. The supporting gesture is misunderstood and Khan is suspected of throwing the game out of sympathy towards Pakistan. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे. तो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में. दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपको अच्छी अच्छी मूवी की रिव्यूज़ देता हूँ जिसमें हॉलीवुड, बॉलीवुड, पंजाबी, साउथ इंडियन सारी फिल्म होती हैं. दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें. इससे मोटिवेट होकर मैं आपको अच्छी अच्छी मूवी के रिव्यू ला के देता रहूँगा. दोस्तों, आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. दोस्तों, वैसे तो बॉलीवुड हॉलीवुड दोनों ही मूवी के रिव्यू लेके आता हूँ, लेकिन जिस मूवी का रिव्यू आज मैं लेके आया हूँ वो एक बॉलीवुड मूवी है जिसका नाम है चक दे इंडिया. तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए. चक दे इंडिया. चक दे इंडिया इज़ अ 2007 इंडियन स्पोर्ट्स फिल्म विच इज़ डायरेक्टेड बाय शिमित अमीन, रिटन बाय जयदीप सहनी, प्रोड्यूस बाय आदित्य चोपड़ा, स्टारिंग डन बाय शाहरुख खान, विद्या मालवाड़े, शिल्पा शुक्ला, सागरिका घाटके, चित्रा शिरावत, विवान बैटेना, मोहित चौहान, जोश्री अरोरा, विवा छिब्बर, अनीता नायर. सिनेमाटोग्राफी डन बाय सुदीप चटर्जी. मूवी वॉज एडिटेड बाय अमिताभ शुक्ला. म्यूजिक गिवन बाय सलीम सुलेमान. प्रोडक्शन कंपनी ऑफ मूवी वॉज यशराज फिल्म. डिस्ट्रीब्यूटेड बाय यशराज फिल्म. रिलीजिंग डेट ऑफ मूवी वॉज 10 August 2007. विद ड्यूरेशन 149 minutes इन इंडिया इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज. द बजट ऑफ मूवी वॉज 20 करोड़ एंड अर्निंग एट बॉक्स ऑफिस वॉज नियरली 109 करोड़. इन दिस मूवी द फिल्म स्टार शाहरुख खान एज कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम. आफ्टर आर डिसास्ट्रस लॉस ऑफ पाकिस्तान खाजिज ऑब्स्ट्रक राइट फ्रॉम द स्पोर्ट ओनिंग टू रिलीज योर प्रोड्यूस 7 years later इन एन अटेम्प्ट टू रिडीम हिमसेल्फ ही बिकम द कोच ऑफ इंडियन नेशनल वुमेन्स हॉकी टीम विद द गोल ऑफ टर्निंग इट्स 16 कॉन्टिनेंटल प्लेयर इन टू एन अवार्ड विनिंग टीम. द फिल्म इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ मीर रंजन नेगी. सानिया स्क्रीन राइटर वॉज इंस्पायर्ड बाय द इंडियन वुमेन्स नेशनल फील्ड हॉकी टीम्स विन एट द 2002 कॉमनवेल्थ गेम टू डेवलप चक दे इंडिया स्क्रिप्ट आफ्टर रीडिंग अबाउट इट इन ए न्यूज़पेपर. द स्क्रीन प्ले वॉज फिक्शनल एंड द करेक्टर्स वर इंस्पायर्ड बाय रियल टीम एंड कोचेज वर इन्वेंटेड बाय सहानी. कबीर खान स्ट्रगल बोर रिजेंबल्स ऑफ द फेस फेस्ड बाय रियल हॉकी लाइफ प्लेयर मीर रंजन नेगी. ऑल्दो सहानी वॉज अनअवेयर नेगीज ट्रिबुलेशन वाइल राइटिंग द स्क्रिप्ट ऑन द सजेशन ऑफ महाराजा कृष्ण कौशिक द कोचिज ऑफ वुमेन्स हॉकी टीम सहानी इन्वाइटेड नेगी टू जॉइन द फिल्म प्रोडक्शन टीम. इन दिस मूवी चक दे इंडिया ओपन्स इन दिल्ली ड्यूरिंग द फाइनल मिनट्स ऑफ
हॉकी वर्ल्ड कप मैच बिटवीन पाकिस्तान इंडिया द पाकिस्तान लीडिंग 1-0 व्हेन इंडियन टीम कैप्टन कबीर सिंह इज फोल्डेड ही टेक्स अ पेनल्टी स्ट्रोक हिज शॉट जस्ट मिसेस कॉजिंग इंडिया टू लूज द मैच सून आफ्टरवर्ड मीडिया आउटलेट्स सर्कुलेट अ फोटोग्राफ ऑफ खान शेकिंग हैंड्स एंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग द पाकिस्तान कैप्टन द सपोर्टिंग गेस्चर इज अंडरस्टूड एंड खान इज सस्पेक्टेड ऑफ थ्रोइंग द गेम आउट ऑफ सिंपैथी टुवर्ड्स पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों इस चैनल पर मैं आपको अच्छी अच्छी मूवी की रिव्यूज़ देता हूँ जिसमें हॉलीवुड बॉलीवुड पंजाबी साउथ इंडियन सारी फिल्म होती हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, इससे मोटिवेट होकर मैं आपको अच्छी अच्छी मूवी के रिव्यू ला के देता रहूँगा। दोस्तों आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों वैसे तो बॉलीवुड हॉलीवुड दोनों ही मूवी के रिव्यू लेके आता हूँ, लेकिन जिस मूवी का रिव्यू आज मैं लेके आया हूँ वो एक बॉलीवुड मूवी है जिसका नाम है चक दे इंडिया। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया इज़ अ 2007 इंडियन स्पोर्ट्स फिल्म विच इज़ डायरेक्टेड बाय शिमित अमीन, रिटन बाय जयदीप सहनी, प्रोड्यूस बाय आदित्य चोपड़ा, स्टारिंग डन बाय शाहरुख खान, विद्या मालवाड़े, शिल्पा शुक्ला, सागरिका घाटके, चित्रा शिरावत, विवान बैटेना, मोहित चौहान, जोश्री अरोरा, विवा छिब्बर, अनीता नायर। सिनेमाटोग्राफी डन बाय सुदीप चटर्जी। वीवर्स एडिटेड बाय अमिताभ शुक्ला। म्यूजिक गिवन बाय सलीम सुलेमान। प्रोडक्शन कंपनी ऑफ मूवी वॉज यशराज फिल्म। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय यशराज फिल्म। रिलीजिंग डेट ऑफ मूवी वॉज 10 अगस्त 2007। विद ड्यूरेशन 149 मिनट्स इन इंडिया एंड हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। द बजट ऑफ मूवी वॉज 20 करोड़ एंड अर्निंग एट बॉक्स ऑफिस वॉज नियरली 109 करोड़। इन दिस मूवी द फिल्म स्टार शाहरुख खान एज कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मैंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम। आफ्टर आर डिसास्ट्रस लॉस ऑफ पाकिस्तान खास इज ऑब्स्ट्रक राइट फ्रॉम द स्पोर्ट ओनिंग टू रिलीज यर प्रोड्यूस 7 years later इन एन अटेम्प्ट टू रिडीम हिमसेल्फ ही बिकम द कोच ऑफ इंडियन नेशनल वुमेन्स हॉकी टीम विद द गोल ऑफ टर्निंग इट्स 16 कॉन्टिनेंटल प्लेयर इन टू एन अवार्ड विनिंग टीम। द फिल्म इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ मीर रंजन नेगी। सानिया स्क्रीन राइटर वॉज इंस्पायर्ड बाय द इंडियन वुमेन्स नेशनल फील्ड हॉकी टीम्स विन एट द 2002 कॉमनवेल्थ गेम टू डेवलप चक दे इंडिया स्क्रिप्ट आफ्टर रीडिंग अबाउट इट इन ए न्यूज़पेपर। द स्क्रीन प्ले वॉज फिक्शनल एंड द कैरेक्टर्स वर इंस्पायर्ड बाय रियल टीम एंड कोचेज वर इन्वेंटेड बाय सहानी। कबीर खान स्ट्रगल बोर रिजेंबल्स ऑफ द फेस फेस्ड बाय रियल हॉकी लाइफ प्लेयर मीर रंजन नेगी। ऑल्दो सहानी वॉज अनअवेयर नेगीज ट्रिबुलेशन वाइल राइटिंग द स्क्रिप्ट ऑन द सजेशन ऑफ महाराजा कृष्ण कौशिक द कोचिज ऑफ वुमेन्स हॉकी टीम सहानी इन्वाइटेड नेगी टू जॉइन द फिल्म प्रोडक्शन टीम। इन दिस मूवी चक दे इंडिया ओपन्स इन दिल्ली ड्यूरिंग द फाइनल मिनट्स ऑफ हॉकी वर्ल्ड कप मैच बिटवीन पाकिस्तान इंडिया द पाकिस्तान लीडिंग 1-0 व्हेन इंडियन टीम कैप्टन कबीर सिंह इज फोल्डेड ही टेक्स अ पेनल्टी स्ट्रोक हिज शॉट जस्ट मिसेस कॉजिंग इंडिया टू लूज द मैच सून आफ्टरवर्ड मीडिया आउटलेट्स सर्कुलेट अ फोटोग्राफ ऑफ खान शेकिंग हैंड्स एंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग द पाकिस्तान कैप्टन द सपोर्टिंग गेस्चर इज अंडरस्टूड एंड खान इज सस्पेक्टेड ऑफ थ्रोइंग द गेम आउट ऑफ सिंपैथी टुवर्ड्स पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों इस चैनल पर मैं आपको अच्छी अच्छी मूवी की रिव्यूज़ देता हूँ जिसमें हॉलीवुड बॉलीवुड पंजाबी साउथ इंडियन सारी फिल्म होती हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, इससे मोटिवेट होकर मैं आपको अच्छी अच्छी मूवी के रिव्यू ला के देता रहूँगा। दोस्तों आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों वैसे तो बॉलीवुड हॉलीवुड दोनों ही मूवी के रिव्यू लेके आता हूँ, लेकिन जिस मूवी का रिव्यू आज मैं लेके आया हूँ वो एक बॉलीवुड मूवी है जिसका नाम है चक दे इंडिया। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया इज़ अ 2007 इंडियन स्पोर्ट्स फिल्म विच इज़ डायरेक्टेड बाय शिमित अमीन, रिटन बाय जयदीप सहनी, प्रोड्यूस्ड बाय आदित्य चोपड़ा,
स्टैंडन बाय शाहरुख खान, विद्या मालवाडे, शिल्पा शुक्ला, सागरिका घाटके, चित्रा शिरावत, विवान बैटेना, मोहित चौहान, जोश्री अरोरा, विवा छिब्बर, अनीता नायर। सिनेमाटोग्राफी डन बाय सुदीप चटर्जी। वीवर्स एडिटेड बाय अमिताभ शुक्ला। म्यूजिक गिवन बाय सलीम सुलेमान। प्रोडक्शन कंपनी ऑफ मूवी वॉज यशराज फिल्म। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय यशराज फिल्म। रिलीजिंग डेट ऑफ मूवी वॉज 10 अगस्त 2007। विद ड्यूरेशन 149 मिनट्स इन इंडिया एंड हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। द बजट ऑफ मूवी वॉज 20 करोड़ एंड अर्निंग एट बॉक्स ऑफिस वॉज नियरली 109 करोड़। इन दिस मूवी द फिल्म स्टार शाहरुख खान एज कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मैंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम। आफ्टर आर डिसास्ट्रस लॉस ऑफ पाकिस्तान खास इज ऑब्स्ट्रक राइट फ्रॉम द स्पोर्ट ओनिंग टू रिलीज यर प्रोड्यूस 7 years later इन एन अटेम्प्ट टू रिडीम हिमसेल्फ ही बिकम द कोच ऑफ इंडियन नेशनल वुमेन्स हॉकी टीम विद द गोल ऑफ टर्निंग इट्स 16 कॉन्टिनेंटल प्लेयर इन टू एन अवार्ड विनिंग टीम। द फिल्म इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ मीर रंजन नेगी। सानिया स्क्रीन राइटर वॉज इंस्पायर्ड बाय द इंडियन वुमेन्स नेशनल फील्ड हॉकी टीम्स विन एट द 2002 कॉमनवेल्थ गेम टू डेवलप चक दे इंडिया स्क्रिप्ट आफ्टर रीडिंग अबाउट इट इन ए न्यूज़पेपर। द स्क्रीन प्ले वॉज फिक्शनल एंड द कैरेक्टर्स वर इंस्पायर्ड बाय रियल टीम एंड कोचेज वर इन्वेंटेड बाय सहानी। कबीर खान स्ट्रगल बोर रिजेंबल्स ऑफ द फेस फेस्ड बाय रियल हॉकी लाइफ प्लेयर मीर रंजन नेगी। ऑल्दो सहानी वॉज अनअवेयर नेगीज ट्रिबुलेशन वाइल राइटिंग द स्क्रिप्ट ऑन द सजेशन ऑफ महाराजा कृष्ण कौशिक द कोचिज ऑफ वुमेन्स हॉकी टीम सहानी इन्वाइटेड नेगी टू जॉइन द फिल्म प्रोडक्शन टीम। In this movie, Chak De Op, India opens in Delhi during the final minutes of Hockey World Cup match between Pakistan and India. The Pakistan leading 1-0 when Indian team captain Kabir Singh is folded. He takes a penalty stroke. His shot just misses, causing India to lose the match. Soon afterward, media outlets circulate a photograph of Khan shaking hands and congratulating the Pakistan captain. The supporting gesture is misunderstood and Khan is suspected of throwing the game out of sympathy towards Pakistan. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपको अच्छी अच्छी मूवी की रिव्यूज़ देता हूँ जिसमें हॉलीवुड, बॉलीवुड, पंजाबी, साउथ इंडियन सारी फिल्म होती हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। इससे मोटिवेट होकर मैं आपको अच्छी अच्छी मूवी के रिव्यू ला के देता रहूँगा। दोस्तों, आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, वैसे तो बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों ही मूवी के रिव्यू लेके आता हूँ, लेकिन जिस मूवी का रिव्यू आज मैं लेके आया हूँ वो एक बॉलीवुड मूवी है जिसका नाम है चक दे इंडिया। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। चक दे इंडिया। चक दे इंडिया इज अ 2007 इंडियन स्पोर्ट्स फिल्म विच इज़ डायरेक्टेड बाय शिमित अमीन, रिटन बाय जयदीप सहनी, प्रोड्यूस बाय आदित्य चोपड़ा, स्टैंडन बाय शाहरुख खान, विद्या मालवाडे, शिल्पा शुक्ला, सागरिका घाटके, चित्रा शिरावत, विवान बैटेना, मोहित चौहान, जोश्री अरोरा, विवा छिब्बर, अनीता नायर। सिनेमाटोग्राफी डन बाय सुदीप चटर्जी। वीवर्स एडिटेड बाय अमिताभ शुक्ला। म्यूजिक गिवन बाय सलीम सुलेमान। प्रोडक्शन कंपनी ऑफ मूवी वॉज यशराज फिल्म। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय यशराज फिल्म। रिलीजिंग डेट ऑफ मूवी वॉज 10 अगस्त 2007। विद ड्यूरेशन 149 मिनट्स इन इंडिया एंड हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। द बजट ऑफ मूवी वॉज 20 करोड़ एंड अर्निंग एट बॉक्स ऑफिस वॉज नियरली 109 करोड़। इन दिस मूवी द फिल्म स्टार शाहरुख खान एज कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मैंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम। आफ्टर आर डिसास्ट्रस लॉस ऑफ पाकिस्तान खास इज ऑब्स्ट्रक राइट फ्रॉम द स्पोर्ट ओनिंग टू रिलीज यर प्रोड्यूस 7 years later इन एन अटेम्प्ट टू रिडीम हिमसेल्फ ही बिकम द कोच ऑफ इंडियन नेशनल वुमेन्स हॉकी टीम विद द गोल ऑफ टर्निंग इट्स 16 कॉन्टिनेंटल प्लेयर इन टू एन अवार्ड विनिंग टीम। द फिल्म इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ मीर
रंजन नेगी, सानिया स्क्रीन राइटर वॉज इंस्पायर्ड बाय द इंडियन वुमेन्स नेशनल फील्ड हॉकी टीम्स विन एट द 2002 कॉमनवेल्थ गेम टू डेवलप चक द इंडिया स्क्रिप्ट आफ्टर रीडिंग अबाउट इट इन ए न्यूज़पेपर. द स्क्रीन प्ले वॉज फिक्शनल एंड द करेक्टर्स वर इंस्पायर्ड बाय रियल टीम एंड कोचेज वर इन्वेंटेड बाय सहानी. कबीर खान स्ट्रगल बोर रिजेंबल्स ऑफ द फेस फेस बाय रियल हॉकी लाइफ प्लेयर मीर रंजन नेगी. ऑल्दो सहानी वॉज अनअवेयर नेगीज ट्रिबुलेशन वाइल राइटिंग द स्क्रिप्ट ऑन द सजेशन ऑफ महाराजा कृष्ण कौशिक द कोचिज ऑफ वुमेन्स हॉकी टीम सहानी इन्वाइटेड नेगी टू जॉइन द फिल्म प्रोडक्शन टीम. In this movie, Chak De, India opens in Delhi during the final minutes of Hockey World Cup match between Pakistan and India. The Pakistan leading 1-0 when Indian team captain Kabir Singh is folded. He takes a penalty stroke. His shot just misses, causing India to lose the match. Soon afterward, media outlets circulate a photograph of Khan shaking hands and congratulating the Pakistan captain. The supporting gesture is misunderstood and Khan is suspected of throwing the game out of sympathy towards Pakistan. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे. तो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में. दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपको अच्छी अच्छी मूवी के रिव्यूज़ देता हूँ, जिसमें हॉलीवुड, बॉलीवुड, पंजाबी, साउथ इंडियन सारी फिल्म होती हैं. दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें. इससे मोटिवेट होकर मैं आपको अच्छी अच्छी मूवी के रिव्यू ला के देता रहूँगा. दोस्तों, आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. दोस्तों, वैसे तो बॉलीवुड हॉलीवुड दोनों ही मूवी के रिव्यू लेके आता हूँ, लेकिन जिस मूवी का रिव्यू आज मैं लेके आया हूँ वो एक बॉलीवुड मूवी है, जिसका नाम है चक दे इंडिया. तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए. चक दे इंडिया. चक दे इंडिया इज़ अ 2007 इंडियन स्पोर्ट्स फिल्म विच इज़ डायरेक्टेड बाय शिमित अमीन, रिटन बाय जयदीप सहनी, प्रोड्यूस बाय आदित्य चोपड़ा, स्टारिंग डन बाय शाहरुख खान, विद्या मालवाड़े, शिल्पा शुक्ला, सागरिका घाटके, चित्रा शिरावत, विवान बैटेना, मोहित चौहान, जोश्री अरोरा, विवा छिब्बर, अनीता नायर. सिनेमाटोग्राफी डन बाय सुदीप चटर्जी. मूवी वॉज एडिटेड बाय अमिताभ शुक्ला. म्यूजिक गिवन बाय सलीम सुलेमान. प्रोडक्शन कंपनी ऑफ मूवी वॉज यशराज फिल्म. डिस्ट्रीब्यूटेड बाय यशराज फिल्म. रिलीजिंग डेट ऑफ मूवी वॉज 10 अगस्त 2007. विद ड्यूरेशन 149 मिनट्स इन इंडिया इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज. द बजट ऑफ मूवी वॉज 20 करोड़ एंड अर्निंग एट बॉक्स ऑफिस वॉज नियरली 109 करोड़. इन दिस मूवी द फिल्म स्टार शाहरुख खान एज कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम. आफ्टर आर डिसास्ट्रस लॉस ऑफ पाकिस्तान खास इज ऑब्स्ट्रक राइट फ्रॉम द स्पोर्ट ओनिंग टू रिलीज यर प्रोड्यूस सेवन ईयर लेटर इन एन अटेम्प्ट टू रिडीम हिमसेल्फ ही बिकम द कोच ऑफ इंडियन नेशनल वुमेन्स हॉकी टीम विद द गोल ऑफ टर्निंग इट्स 16 कॉन्टिनेंटल प्लेयर इन टू एन अवार्ड विनिंग टीम. द फिल्म इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ मीर रंजन नेगी. सानिया स्क्रीन राइटर वॉज इंस्पायर्ड बाय द इंडियन वुमेन्स नेशनल फील्ड हॉकी टीम्स विन एट द 2002 कॉमनवेल्थ गेम टू डेवलप चक दे इंडिया स्क्रिप्ट आफ्टर रीडिंग अबाउट इट इन ए न्यूज़पेपर. द स्क्रीन प्ले वॉज फिक्शनल एंड द करेक्टर्स वर इंस्पायर्ड बाय रियल टीम एंड कोचेज वर इन्वेंटेड बाय सहानी. कबीर खान स्ट्रगल बोर रिजेंबल्स ऑफ द फेस फेस बाय रियल हॉकी लाइफ प्लेयर मीर रंजन नेगी. ऑल्दो सहानी वॉज अनअवेयर नेगीज ट्रिबुलेशन वाइल राइटिंग द स्क्रिप्ट ऑन द सजेशन ऑफ महाराजा कृष्ण कौशिक द कोचिज ऑफ वुमेन्स हॉकी टीम सहानी इन्वाइटेड नेगी टू जॉइन द फिल्म प्रोडक्शन टीम. इन दिस मूवी चक दे, इंडिया ओपन्स इन दिल्ली ड्यूरिंग द फाइनल मिनट्स ऑफ हॉकी वर्ल्ड कप मैच बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया. द पाकिस्तान लीडिंग 1-0 वैन इंडियन टीम कैप्टन कबीर सिंह इज फोल्डेड. ही टेक्स अ पेनल्टी स्ट्रोक. हिज शॉट जस्ट मिसेज कॉजिंग इंडिया टू लूज द मैच. सून आफ्टर वर्ड मीडिया आउटलेट्स सर्कुलेट अ फोटोग्राफ ऑफ खान शेकिंग हैंड्स एंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग द पाकिस्तान कैप्टन. द सपोर्टिंग गेस्चर इज मिसअंडरस्टूड एंड खान इज सस्पेक्टेड ऑफ थ्रोइंग द गेम आउट ऑफ सिंपैथी टुवर्ड्स पाकिस्तान. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे. तो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में.
दोस्तों इस चैनल पर मैं आपको अच्छी अच्छी मूवी की रिव्यूज़ देता हूँ, जिसमें हॉलीवुड, बॉलीवुड, पंजाबी, साउथ इंडियन सारी फिल्म होती हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, इससे मोटिवेट होकर मैं आपको अच्छी अच्छी मूवी के रिव्यू ला के देता रहूँगा। दोस्तों आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों वैसे तो बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों ही मूवी के रिव्यू लेके आता हूँ, लेकिन जिस मूवी का रिव्यू आज मैं लेके आया हूँ वो एक बॉलीवुड मूवी है, जिसका नाम है चक दे इंडिया। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया इज़ अ 2007 इंडियन स्पोर्ट्स फिल्म विच इज़ डायरेक्टेड बाय शिमित अमीन, रिटन बाय जयदीप सहनी, प्रोड्यूस बाय आदित्य चोपड़ा, स्टारिंग डन बाय शाहरुख खान, विद्या मालवाड़े, शिल्पा शुक्ला, सागरिका घाटके, चित्रा शेरावत, विवान बैटेना, मोहित चौहान, जोश्री अरोरा, विवा छिब्बर, अनीता नायर। सिनेमाटोग्राफी डन बाय सुदीप चटर्जी। मूवी वॉज एडिटेड बाय अमिताभ शुक्ला। म्यूजिक गिवन बाय सलीम सुलेमान। प्रोडक्शन कंपनी ऑफ मूवी वॉज यशराज फिल्म। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय यशराज फिल्म। रिलीजिंग डेट ऑफ मूवी वॉज 10 अगस्त 2007। विद ड्यूरेशन 149 मिनट्स इन इंडिया इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। द बजट ऑफ मूवी वॉज 20 करोड़ एंड अर्निंग एट बॉक्स ऑफिस वॉज नियरली 109 करोड़। इन दिस मूवी द फिल्म स्टार शाहरुख खान एज कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मैंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम। आफ्टर आर डिसास्ट्रस लॉस ऑफ पाकिस्तान खास इज ऑब्स्ट्रक राइट फ्रॉम द स्पोर्ट ओनिंग टू रिलीज यर प्रोड्यूस 7 years later in an attempt to redeem himself, he become the coach of Indian national women's hockey team with the goal of turning its 16 continental player into an award-winning team. The film is based on the life of Meer Ranjan Negi. Sahni, a screenwriter, was inspired by the Indian women's national field hockey team's win at the 2002 Commonwealth Games to develop Chak De India script after reading about it in a newspaper. The screenplay was fictional and the characters were inspired by a real team and coaches were invented by Sahani. Kabir Khan's struggles bore resemblance of the phase faced by real hockey life player Meer Ranjan Negi, although Sahani was unaware of Negi's tribulation while writing the scripts. On the suggestion of Maharaja Krishan Kaushik, the coaches of women's hockey team, Sahani invited Negi to join the film's production team. In this movie, Chak De India opens in Delhi during the final minutes of Hockey World Cup match between Pakistan and India. The Pakistan leading 1-0 when Indian team captain Kabir Singh is folded. He takes a penalty stroke. His shot just misses, causing India to lose the match. Soon afterward, media outlets circulate a photograph of Khan shaking hands and congratulating the Pakistan captain. The supporting gesture is misunderstood and Khan is suspected of throwing the game out of sympathy towards Pakistan. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों इस चैनल पर मैं आपको अच्छी अच्छी मूवी की रिव्यूज़ देता हूँ, जिसमें हॉलीवुड, बॉलीवुड, पंजाबी, साउथ इंडियन सारी फिल्म होती हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, इससे मोटिवेट होकर मैं आपको अच्छी अच्छी मूवी के रिव्यू ला के देता रहूँगा। दोस्तों आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों वैसे तो बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों ही मूवी के रिव्यू लेके आता हूँ, लेकिन जिस मूवी का रिव्यू आज मैं लेके आया हूँ वो एक बॉलीवुड मूवी है, जिसका नाम है चक दे इंडिया। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया इज़ अ 2007 इंडियन स्पोर्ट्स फिल्म विच इज़ डायरेक्टेड बाय शिमित अमीन, रिटन बाय जयदीप सहनी, प्रोड्यूस बाय आदित्य चोपड़ा, स्टारिंग डन बाय शाहरुख खान, विद्या मालवाड़े, शिल्पा शुक्ला, सागरिका घाटके, चित्रा शेरावत, विवान बैटेना, मोहित चौहान, जोश्री अरोरा, विवा छिब्बर, अनीता नायर। सिनेमाटोग्राफी डन बाय सुदीप चटर्जी। मूवी वॉज एडिटेड बाय अमिताभ शुक्ला। म्यूजिक गिवन बाय सलीम सुलेमान। प्रोडक्शन कंपनी ऑफ मूवी वॉज यशराज फिल्म। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय यशराज फिल्म।
रिलीजिंग डेट ऑफ मूवी वॉज 10 अगस्त 2007, विद ड्यूरेशन 149 मिनट्स इन इंडिया इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज. द बजट ऑफ मूवी वॉज 20 करोड़ एंड अर्निंग एट बॉक्स ऑफिस वॉज नियरली 109 करोड़. इन दिस मूवी द फिल्म स्टार शाहरुख खान एज कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मैंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम. आफ्टर आर डिसास्ट्रस लॉस ऑफ पाकिस्तान खाजिज ऑब्स्ट्रक राइट फ्रॉम द स्पोर्ट ओनिंग टू रिलीज यर प्रोड्यूस 7 years later इन एन अटेम्प्ट टू रिडीम हिमसेल्फ ही बिकम द कोच ऑफ इंडियन नेशनल वुमेन्स हॉकी टीम विद द गोल ऑफ टर्निंग इट्स 16 कॉन्टिनेंटल प्लेयर इन टू एन अवार्ड विनिंग टीम. द फिल्म इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ मीर रंजन नेगी. सानिया स्क्रीन राइटर वॉज इंस्पायर्ड बाय द इंडियन वुमेन्स नेशनल फील्ड हॉकी टीम्स विन एट द 2002 कॉमनवेल्थ गेम टू डेवलप चक दे इंडिया स्क्रिप्ट आफ्टर रीडिंग अबाउट इट इन ए न्यूज़पेपर. द स्क्रीन प्ले वॉज फिक्शनल एंड द करेक्टर्स वर इंस्पायर्ड बाय रियल टीम एंड कोचेज वर इन्वेंटेड बाय सहानी. कबीर खान स्ट्रगल बोर रिजेंबल्स ऑफ द फेस फेस्ड बाय रियल हॉकी लाइव प्लेयर मीर रंजन नेगी. ऑल्दो सहानी वॉज अनअवेयर नेगीज ट्रिबुलेशन वाइल राइटिंग द स्क्रिप्ट ऑन द सजेशन ऑफ महाराजा कृष्ण कौशिक द कोचिज ऑफ वुमेन्स हॉकी टीम सहानी इन्वाइटेड नेगी टू जॉइन द फिल्म प्रोडक्शन टीम. In this movie, Chak De Op, India opens in Delhi during the final minutes of Hockey World Cup match between Pakistan and India. The Pakistan leading 1-0 when Indian team captain Kabir Singh is folded. He takes a penalty stroke. His shot just misses, causing India to lose the match. Soon afterward, media outlets circulate a photograph of Khan shaking hands and congratulating the Pakistan captain. The supporting gesture is misunderstood and Khan is suspected of throwing the game out of sympathy towards Pakistan. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे. तो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में. दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपको अच्छी अच्छी मूवी के रिव्यूज़ देता हूँ जिसमें हॉलीवुड, बॉलीवुड, पंजाबी, साउथ इंडियन सारी फिल्म होती हैं. दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें. इससे मोटिवेट होकर मैं आपको अच्छी अच्छी मूवी के रिव्यू ला के देता रहूँगा. दोस्तों, आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. दोस्तों, वैसे तो बॉलीवुड हॉलीवुड दोनों ही मूवी के रिव्यू लेके आता हूँ, लेकिन जिस मूवी का रिव्यू आज मैं लेके आया हूँ वो एक बॉलीवुड मूवी है जिसका नाम है चक दे इंडिया. तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए. चक दे इंडिया. चक दे इंडिया इज अ 2007 इंडियन स्पोर्ट्स फिल्म विच इज़ डायरेक्टेड बाय शिमित अमीन, रिटन बाय जयदीप सहनी, प्रोड्यूस बाय आदित्य चोपड़ा, स्टारिंग डन बाय शाहरुख खान, विद्या मालवाड़े, शिल्पा शुक्ला, सागरिका घाटके, चित्रा शिरावत, विवान बैटेना, मोहित चौहान, जोश्री अरोरा, विवा छिब्बर, अनीता नायर. सिनेमाटोग्राफी डन बाय सुदीप चटर्जी. मूवी वॉज एडिटेड बाय अमिताभ शुक्ला. म्यूजिक गिवन बाय सलीम सुलेमान. प्रोडक्शन कंपनी ऑफ मूवी वॉज यशराज फिल्म. डिस्ट्रीब्यूटेड बाय यशराज फिल्म. रिलीजिंग डेट ऑफ मूवी वॉज 10 अगस्त 2007, विद ड्यूरेशन 149 मिनट्स इन इंडिया इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज. द बजट ऑफ मूवी वॉज 20 करोड़ एंड अर्निंग एट बॉक्स ऑफिस वॉज नियरली 109 करोड़. इन दिस मूवी द फिल्म स्टार शाहरुख खान एज कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मैंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम. आफ्टर आर डिसास्ट्रस लॉस ऑफ पाकिस्तान खाजिज ऑब्स्ट्रक राइट फ्रॉम द स्पोर्ट ओनिंग टू रिलीज यर प्रोड्यूस 7 years later इन एन अटेम्प्ट टू रिडीम हिमसेल्फ ही बिकम द कोच ऑफ इंडियन नेशनल वुमेन्स हॉकी टीम विद द गोल ऑफ टर्निंग इट्स 16 कॉन्टिनेंटल प्लेयर इन टू एन अवार्ड विनिंग टीम. द फिल्म इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ मीर रंजन नेगी. सानिया स्क्रीन राइटर वॉज इंस्पायर्ड बाय द इंडियन वुमेन्स नेशनल फील्ड हॉकी टीम्स विन एट द 2002 कॉमनवेल्थ गेम टू डेवलप चक दे इंडिया स्क्रिप्ट आफ्टर रीडिंग अबाउट इट इन ए न्यूज़पेपर. द स्क्रीन प्ले वॉज फिक्शनल एंड द करेक्टर्स वर इंस्पायर्ड बाय रियल टीम एंड कोचेज वर इन्वेंटेड बाय सहानी. कबीर खान स्ट्रगल बोर रिजेंबल्स ऑफ द फेस फेस्ड बाय रियल हॉकी लाइव प्लेयर मीर रंजन नेगी. ऑल्दो सहानी वॉज अनअवेयर नेगीज
tribulation while writing the scripts on the suggestion of Maharaja Krishan Kaushik, the coaches of women's hockey team Sani invited Negi to join the film's production team. In this movie, India opens in Delhi during the final minutes of Hockey World Cup match between Pakistan and India. The Pakistan leading 1-0 when Indian team captain Kabir Singh is folded. He takes a penalty stroke. His shot just misses, causing India to lose the match. Soon afterward, media outlets circulate a photograph of Khan shaking hands and congratulating the Pakistan captain. The supporting gesture is misunderstood and Khan is suspected of throwing the game out of sympathy towards Pakistan. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपको अच्छी अच्छी मूवी की रिव्यूज़ देता हूँ, जिसमें हॉलीवुड, बॉलीवुड, पंजाबी, साउथ इंडियन सारी फिल्म होती हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। इससे मोटिवेट होकर मैं आपको अच्छी अच्छी मूवी के रिव्यू ला के देता रहूँगा। दोस्तों, आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, वैसे तो बॉलीवुड हॉलीवुड दोनों ही मूवी के रिव्यू लेके आता हूँ, लेकिन जिस मूवी का रिव्यू आज मैं लेके आया हूँ वो एक बॉलीवुड मूवी है, जिसका नाम है चक दे इंडिया। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया इज़ अ 2007 इंडियन स्पोर्ट्स फिल्म विच इज़ डायरेक्टेड बाय शिमित अमीन, रिटन बाय जयदीप सहनी, प्रोड्यूस बाय आदित्य चोपड़ा, स्टारिंग डन बाय शाहरुख खान, विद्या मालवाड़े, शिल्पा शुक्ला, सागरिका घाटके, चित्रा शिरावत, विवान बैटेना, मोहित चौहान, जोश्री अरोरा, विवा छिब्बर, अनीता नायर। सिनेमाटोग्राफी डन बाय सुदीप चटर्जी। मूवी वॉज एडिटेड बाय अमिताभ शुक्ला। म्यूजिक गिवन बाय सलीम सुलेमान। प्रोडक्शन कंपनी ऑफ मूवी वॉज यशराज फिल्म। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय यशराज फिल्म। रिलीजिंग डेट ऑफ मूवी वॉज 10 अगस्त 2007। विद ड्यूरेशन 149 मिनट्स इन इंडिया एंड हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। द बजट ऑफ मूवी वॉज 20 करोड़ एंड अर्निंग एट बॉक्स ऑफिस वॉज नियरली 109 करोड़। इन दिस मूवी द फिल्म स्टार शाहरुख खान एज कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मैंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम। आफ्टर आर डिसास्ट्रस लॉस ऑफ पाकिस्तान खास इज ऑब्स्ट्रक राइट फ्रॉम द स्पोर्ट ओनिंग टू रिलीज यर प्रोड्यूस 7 years later इन एन अटेम्प्ट टू रिडीम हिमसेल्फ ही बिकम द कोच ऑफ इंडियन नेशनल वुमेन्स हॉकी टीम विद द गोल ऑफ टर्निंग इट्स 16 कॉन्टिनेंटल प्लेयर इन टू एन अवार्ड विनिंग टीम। द फिल्म इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ मीर रंजन नेगी। सानिया स्क्रीन राइटर वॉज इंस्पायर्ड बाय द इंडियन वुमेन्स नेशनल फील्ड हॉकी टीम्स विन एट द 2002 कॉमनवेल्थ गेम टू डेवलप चक दे इंडिया स्क्रिप्ट आफ्टर रीडिंग अबाउट इट इन ए न्यूज़पेपर। द स्क्रीन प्ले वॉज फिक्शनल एंड द कैरेक्टर्स वर इंस्पायर्ड बाय रियल टीम एंड कोचेज वर इन्वेंटेड बाय सहानी। कबीर खान स्ट्रगल बोर रिजेंबल्स ऑफ द फेस फेस्ड बाय रियल हॉकी लाइफ प्लेयर मीर रंजन नेगी। ऑल्दो सहानी वॉज अनअवेयर नेगीज ट्रिबुलेशन वाइल राइटिंग द स्क्रिप्ट्स ऑन द सजेशन ऑफ महाराजा कृष्ण कौशिक द कोचिज ऑफ वुमेन्स हॉकी टीम सहानी इन्वाइटेड नेगी टू जॉइन द फिल्म्स प्रोडक्शन टीम। इन दिस मूवी चक दे इंडिया ओपन्स इन दिल्ली ड्यूरिंग द फाइनल मिनट्स ऑफ हॉकी वर्ल्ड कप मैच बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। द पाकिस्तान लीडिंग 1-0 व्हेन इंडियन टीम कैप्टन कबीर सिंह इज फोल्डेड। ही टेक्स अ पेनल्टी स्ट्रोक। हिज शॉट जस्ट मिसेस कॉजिंग इंडिया टू लूज द मैच। सून आफ्टरवर्ड मीडिया आउटलेट्स सर्कुलेट अ फोटोग्राफ ऑफ खान शेकिंग हैंड्स एंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग द पाकिस्तान कैप्टन। द सपोर्टिंग गेस्चर इज मिसअंडरस्टूड एंड खान इज सस्पेक्टेड ऑफ थ्रोइंग द गेम आउट ऑफ सिंपैथी टुवर्ड्स पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपको अच्छी अच्छी मूवी की रिव्यूज़ देता हूँ, जिसमें हॉलीवुड, बॉलीवुड, पंजाबी, साउथ इंडियन सारी फिल्म होती हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। इससे मोटिवेट होकर मैं आपको अच्छी अच्छी मूवी के रिव्यू ला के देता रहूँगा। दोस्तों, आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, वैसे तो बॉलीवुड हॉलीवुड दोनों ही मूवी के रिव्यू लेके आता हूँ, लेकिन जिस मूवी का रिव्यू आज मैं लेके आया हूँ वो एक बॉलीवुड मूवी है, जिसका नाम है चक दे इंडिया।
तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया इज़ अ 2007 इंडियन स्पोर्ट्स फिल्म विच इज़ डायरेक्टेड बाय शिमित अमीन, रिटन बाय जयदीप सहनी, प्रोड्यूस बाय आदित्य चोपड़ा, स्टारिंग डन बाय शाहरुख खान, विद्या मालवाडे, शिल्पा शुक्ला, सागरिका घाटके, चित्रा शिरावत, विवान बैटेना, मोहित चौहान, जोश्री अरोरा, विवा छिब्बर, अनीता नायर। सिनेमाटोग्राफी डन बाय सुदीप चटर्जी। मूवी वॉज एडिटेड बाय अमिताभ शुक्ला। म्यूजिक गिवन बाय सलीम सुलेमान। प्रोडक्शन कंपनी ऑफ मूवी वॉज यशराज फिल्म। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय यशराज फिल्म। रिलीजिंग डेट ऑफ मूवी वॉज 10 अगस्त 2007। विद ड्यूरेशन 149 मिनट्स इन इंडिया इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। द बजट ऑफ मूवी वॉज 20 करोड़ एंड अर्निंग एट बॉक्स ऑफिस वॉज नियरली 109 करोड़। इन दिस मूवी द फिल्म स्टार शाहरुख खान एज कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मैंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम। आफ्टर आर डिसास्ट्रस लॉस ऑफ पाकिस्तान खास इज ऑब्स्ट्रक राइट फ्रॉम द स्पोर्ट ओनिंग टू रिलीज यर प्रोड्यूस 7 years later in an attempt to redeem himself, he become the coach of Indian national women's hockey team with the goal of turning its 16 continental player into an award-winning team. The film is based on the life of Meer Ranjan Negi. Sahni, a screenwriter, was inspired by the Indian women's national field hockey team's win at the 2002 Commonwealth Games to develop Chak De India script after reading about it in a newspaper. The screenplay was fictional and the characters were inspired by a real team and coaches were invented by Sahani. Kabir Khan's struggles bore resemblance of the phase faced by real hockey life player Meer Ranjan Negi. Although Sahani was unaware of Negi's tribulation while writing the scripts, on the suggestion of Maharaja Krishan Kaushik, the coaches of women's hockey team, Sahani invited Negi to join the film's production team. In this movie, Chak De India opens in Delhi during the final minutes of Hockey World Cup match between Pakistan and India. The Pakistan leading 1-0 when Indian team captain Kabir Singh is folded. He takes a penalty stroke. His shot just misses, causing India to lose the match. Soon afterward, media outlets circulate a photograph of Khan shaking hands and congratulating the Pakistan captain. The supporting gesture is misunderstood and Khan is suspected of throwing the game out of sympathy towards Pakistan. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों इस चैनल पर मैं आपको अच्छी अच्छी मूवी की रिव्यूज़ देता हूँ जिसमें हॉलीवुड, बॉलीवुड, पंजाबी, साउथ इंडियन सारी फिल्म होती हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। इससे मोटिवेट होकर मैं आपको अच्छी अच्छी मूवी के रिव्यू ला के देता रहूँगा। दोस्तों आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों वैसे तो बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों ही मूवी के रिव्यू लेके आता हूँ, लेकिन जिस मूवी का रिव्यू आज मैं लेके आया हूँ वो एक बॉलीवुड मूवी है जिसका नाम है चक दे इंडिया। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया इज़ अ 2007 इंडियन स्पोर्ट्स फिल्म विच इज़ डायरेक्टेड बाय शिमित अमीन, रिटन बाय जयदीप सहनी, प्रोड्यूस बाय आदित्य चोपड़ा, स्टारिंग डन बाय शाहरुख खान, विद्या मालवाडे, शिल्पा शुक्ला, सागरिका घाटके, चित्रा शिरावत, विवान बैटेना, मोहित चौहान, जोश्री अरोरा, विवा छिब्बर, अनीता नायर। सिनेमाटोग्राफी डन बाय सुदीप चटर्जी। मूवी वॉज एडिटेड बाय अमिताभ शुक्ला। म्यूजिक गिवन बाय सलीम सुलेमान। प्रोडक्शन कंपनी ऑफ मूवी वॉज यशराज फिल्म। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय यशराज फिल्म। रिलीजिंग डेट ऑफ मूवी वॉज 10 अगस्त 2007। विद ड्यूरेशन 149 मिनट्स इन इंडिया इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। द बजट ऑफ मूवी वॉज 20 करोड़ एंड अर्निंग एट बॉक्स ऑफिस वॉज नियरली 109 करोड़। इन दिस मूवी द फिल्म स्टार शाहरुख खान एज कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मैंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम। आफ्टर आर
डिसास्ट्रस लॉस ऑफ पाकिस्तान काजेस ऑब्स्ट्रक राइट फ्रॉम द स्पोर्ट ओनिंग टू रिलीज योर प्रोड्यूस 7 years later इन एन अटेम्प्ट टू रिडीम हिमसेल्फ ही बिकम द कोच ऑफ इंडियन नेशनल वुमेन्स हॉकी टीम विद द गोल ऑफ टर्निंग इट्स 16 कॉन्टिनेंटल प्लेयर इनटू एन अवार्ड विनिंग टीम द फिल्म इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ मीर रंजन नेगी सानिया स्क्रीन राइटर वॉज इंस्पायर्ड बाय द इंडियन वुमेन्स नेशनल फील्ड हॉकी टीम्स विन एट द 2002 कॉमनवेल्थ गेम टू डेवलप चक दे इंडिया स्क्रिप्ट आफ्टर रीडिंग अबाउट इट इन ए न्यूज़पेपर द स्क्रीन प्ले वॉज फिक्शनल एंड द करेक्टर्स वर इंस्पायर्ड बाय रियल टीम एंड कोचेज वर इन्वेंटेड बाय सहानी कबीर खान स्ट्रगल बोर रिजेंबल्स ऑफ द फेस फेस्ड बाय रियल हॉकी लाइफ प्लेयर मीर रंजन नेगी ऑल्दो सहानी वॉज अनअवेयर नेगीज ट्रिबुलेशन वाइल राइटिंग द स्क्रिप्ट ऑन द सजेशन ऑफ महाराजा कृष्ण कौशिक द कोचिज ऑफ वुमेन्स हॉकी टीम सहानी इन्वाइटेड नेगी टू जॉइन द फिल्म प्रोडक्शन टीम In this movie, Chak De Op, India opens in Delhi during the final minutes of Hockey World Cup match between Pakistan and India. The Pakistan leading 1-0 when Indian team captain Kabir Singh is folded. He takes a penalty stroke. His shot just misses, causing India to lose the match. Soon afterward, media outlets circulate a photograph of Khan shaking hands and congratulating the Pakistan captain. The supporting gesture is misunderstood and Khan is suspected of throwing the game out of sympathy towards Pakistan. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपको अच्छी अच्छी मूवी के रिव्यूज़ देता हूँ, जिसमें हॉलीवुड, बॉलीवुड, पंजाबी, साउथ इंडियन सारी फिल्म होती हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। इससे मोटिवेट होकर मैं आपको अच्छी अच्छी मूवी के रिव्यू ला के देता रहूँगा। दोस्तों, आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, वैसे तो बॉलीवुड हॉलीवुड दोनों ही मूवी के रिव्यू लेके आता हूँ, लेकिन जिस मूवी का रिव्यू आज मैं लेके आया हूँ वो एक बॉलीवुड मूवी है, जिसका नाम है चक दे इंडिया। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया इज़ अ 2007 इंडियन स्पोर्ट्स फिल्म विच इज़ डायरेक्टेड बाय शिमित अमीन, रिटन बाय जयदीप सहनी, प्रोड्यूस बाय आदित्य चोपड़ा, स्टारिंग डन बाय शाहरुख खान, विद्या मालवाड़े, शिल्पा शुक्ला, सागरिका घाटके, चित्रा शिरावत, विवान बैटेना, मोहित चौहान, जोश्री अरोरा, विवा छिब्बर, अनीता नायर। सिनेमाटोग्राफी डन बाय सुदीप चटर्जी। मूवी वॉज एडिटेड बाय अमिताभ शुक्ला। म्यूजिक गिवन बाय सलीम सुलेमान। प्रोडक्शन कंपनी ऑफ मूवी वॉज यशराज फिल्म। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय यशराज फिल्म। रिलीजिंग डेट ऑफ मूवी वॉज 10 August 2007। विद ड्यूरेशन 149 minutes इन इंडिया इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। द बजट ऑफ मूवी वॉज 20 crore एंड अर्निंग एट बॉक्स ऑफिस वॉज नियरली 109 crore। इन दिस मूवी द फिल्म स्टार शाहरुख खान एज कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम। आफ्टर आर डिसास्ट्रस लॉस ऑफ पाकिस्तान काजेस ऑब्स्ट्रक राइट फ्रॉम द स्पोर्ट ओनिंग टू रिलीज योर प्रोड्यूस 7 years later इन एन अटेम्प्ट टू रिडीम हिमसेल्फ ही बिकम द कोच ऑफ इंडियन नेशनल वुमेन्स हॉकी टीम विद द गोल ऑफ टर्निंग इट्स 16 कॉन्टिनेंटल प्लेयर इंटू एन अवार्ड विनिंग टीम। द फिल्म इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ मीर रंजन नेगी। सानिया स्क्रीन राइटर वॉज इंस्पायर्ड बाय द इंडियन वुमेन्स नेशनल फील्ड हॉकी टीम्स विन एट द 2002 कॉमनवेल्थ गेम टू डेवलप चक दे इंडिया स्क्रिप्ट आफ्टर रीडिंग अबाउट इट इन ए न्यूज़पेपर। द स्क्रीन प्ले वॉज फिक्शनल एंड द करेक्टर्स वर इंस्पायर्ड बाय रियल टीम एंड कोचेज वर इन्वेंटेड बाय सहानी। कबीर खान स्ट्रगल बोर रिजेंबल्स ऑफ द फेस फेस्ड बाय रियल हॉकी लाइफ प्लेयर मीर रंजन नेगी ऑल्दो सहानी वॉज अनअवेयर नेगीज ट्रिबुलेशन वाइल राइटिंग द स्क्रिप्ट ऑन द सजेशन ऑफ महाराजा कृष्ण कौशिक द कोचिज ऑफ वुमेन्स हॉकी टीम सहानी इन्वाइटेड नेगी टू जॉइन द फिल्म प्रोडक्शन टीम। इन दिस मूवी चक दे ओप, इंडिया ओपन्स इन दिल्ली ड्यूरिंग द फाइनल मिनट्स ऑफ हॉकी वर्ल्ड कप मैच बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। द पाकिस्तान लीडिंग 1-0 वैन इंडियन टीम कैप्टन कबीर सिंह इज फोल्डेड। ही टेक्स अ पेनल्टी स्ट्रोक। हिज शॉट जस्ट मिसेज कॉजिंग इंडिया टू लूज द मैच। सून आफ्टर वर्ड मीडिया आउटलेट्स
circulate a photograph of Khan shaking hands and congratulating the Pakistan captain. The supporting gesture is misunderstood and Khan is suspected of throwing the game out of sympathy towards Pakistan. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपको अच्छी अच्छी मूवी की रिव्यूज़ देता हूँ, जिसमें हॉलीवुड, बॉलीवुड, पंजाबी, साउथ इंडियन सारी फिल्म होती हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। इससे मोटिवेट होकर मैं आपको अच्छी अच्छी मूवी के रिव्यू ला के देता रहूँगा। दोस्तों, आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, वैसे तो बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों ही मूवी के रिव्यू लेके आता हूँ, लेकिन जिस मूवी का रिव्यू आज मैं लेके आया हूँ वो एक बॉलीवुड मूवी है, जिसका नाम है चक दे इंडिया। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया इज़ अ 2007 इंडियन स्पोर्ट्स फिल्म विच इज़ डायरेक्टेड बाय शिमित अमीन, रिटन बाय जयदीप सहनी, प्रोड्यूस बाय आदित्य चोपड़ा, स्टारिंग डन बाय शाहरुख खान, विद्या मालवाड़े, शिल्पा शुक्ला, सागरिका घाटके, चित्रा शिरावत, विवान बैटेना, मोहित चौहान, जोश्री अरोरा, विवा छिब्बर, अनीता नायर। सिनेमाटोग्राफी डन बाय सुदीप चटर्जी। मूवी वॉज एडिटेड बाय अमिताभ शुक्ला। म्यूजिक गिवन बाय सलीम सुलेमान। प्रोडक्शन कंपनी ऑफ मूवी वॉज यशराज फिल्म। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय यशराज फिल्म। रिलीजिंग डेट ऑफ मूवी वॉज 10 अगस्त 2007। विद ड्यूरेशन 149 मिनट्स इन इंडिया एंड हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। द बजट ऑफ मूवी वॉज 20 करोड़ एंड अर्निंग एट बॉक्स ऑफिस वॉज नियरली 109 करोड़। इन दिस मूवी द फिल्म स्टार शाहरुख खान एज कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मैंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम। आफ्टर आर डिसास्ट्रस लॉस ऑफ पाकिस्तान खास इज ऑब्स्ट्रक राइट फ्रॉम द स्पोर्ट ओनिंग टू रिलीज यर प्रोड्यूस 7 years later इन एन अटेम्प्ट टू रिडीम हिमसेल्फ ही बिकम द कोच ऑफ इंडियन नेशनल वुमेन्स हॉकी टीम विद द गोल ऑफ टर्निंग इट्स 16 कॉन्टिनेंटल प्लेयर इन टू एन अवार्ड विनिंग टीम। द फिल्म इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ मीर रंजन नेगी। सानिया स्क्रीन राइटर वॉज इंस्पायर्ड बाय द इंडियन वुमेन्स नेशनल फील्ड हॉकी टीम्स विन एट द 2002 कॉमनवेल्थ गेम टू डेवलप चक दे इंडिया स्क्रिप्ट आफ्टर रीडिंग अबाउट इट इन ए न्यूज़पेपर। द स्क्रीन प्ले वॉज फिक्शनल एंड द कैरेक्टर्स वर इंस्पायर्ड बाय रियल टीम एंड कोचेज वर इन्वेंटेड बाय सहानी। कबीर खान स्ट्रगल बोर रिजेंबल्स ऑफ द फेस फेस्ड बाय रियल हॉकी लाइफ प्लेयर मीर रंजन नेगी। ऑल्दो सहानी वॉज अनअवेयर नेगीज ट्रिबुलेशन वाइल राइटिंग द स्क्रिप्ट ऑन द सजेशन ऑफ महाराजा कृष्ण कौशिक द कोचिज ऑफ वुमेन्स हॉकी टीम सहानी इन्वाइटेड नेगी टू जॉइन द फिल्म प्रोडक्शन टीम। इन दिस मूवी चक दे इंडिया ओपन्स इन दिल्ली ड्यूरिंग द फाइनल मिनट्स ऑफ हॉकी वर्ल्ड कप मैच बिटवीन पाकिस्तान इंडिया। द पाकिस्तान लीडिंग 1-0 व्हेन इंडियन टीम कैप्टन कबीर सिंह इज फोल्डेड ही टेक्स अ पेनल्टी स्ट्रोक हिज शॉट जस्ट मिसेस कॉजिंग इंडिया टू लूज द मैच। सून आफ्टरवर्ड मीडिया आउटलेट्स सर्कुलेट अ फोटोग्राफ ऑफ खान शेकिंग हैंड्स एंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग द पाकिस्तान कैप्टन। द सपोर्टिंग गेस्चर इज मिसअंडरस्टूड एंड खान इज सस्पेक्टेड ऑफ थ्रोइंग द गेम आउट ऑफ सिंपैथी टुवर्ड्स पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपको अच्छी अच्छी मूवी की रिव्यूज़ देता हूँ, जिसमें हॉलीवुड, बॉलीवुड, पंजाबी, साउथ इंडियन सारी फिल्म होती हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। इससे मोटिवेट होकर मैं आपको अच्छी अच्छी मूवी के रिव्यू ला के देता रहूँगा। दोस्तों, आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, वैसे तो बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों ही मूवी के रिव्यू लेके आता हूँ, लेकिन जिस मूवी का रिव्यू आज मैं लेके आया हूँ वो एक बॉलीवुड मूवी है, जिसका नाम है चक दे इंडिया। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया इज़ अ 2007 इंडियन स्पोर्ट्स फिल्म विच इज़ डायरेक्टेड बाय शिमित अमीन, रिटन बाय जयदीप सहनी, प्रोड्यूस बाय आदित्य चोपड़ा, स्टारिंग डन बाय शाहरुख खान, विद्या मालवाड़े, शिल्पा शुक्ला, सागरिका घाटके, चित्रा शिरावत, विवान बैटेना, मोहित चौहान, जोश्री अरोरा,
विवाह छिब्बर, अनीता नायर, सिनेमाटोग्राफी डन बाय सुदीप चटर्जी, वीवर्स एडिटेड बाय अमिताभ शुक्ला, म्यूजिक गिवन बाय सलीम सुलेमान, प्रोडक्शन कंपनी ऑफ मूवी वॉज यशराज फिल्म, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय यशराज फिल्म, रिलीजिंग डेट ऑफ मूवी वॉज 10 अगस्त 2007, विद ड्यूरेशन 149 मिनट्स इन इंडिया इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज. द बजट ऑफ मूवी वॉज 20 करोड़ एंड अर्निंग एट बॉक्स ऑफिस वॉज नियरली 109 करोड़. In this movie, the film stars Shah Rukh Khan as Kabir Khan, former captain of Indian men's national field hockey team. After a disastrous loss of Pakistan, Khan is obstruct right from the sport, owning to leisure prodigies. 7 years later, in an attempt to redeem himself, he becomes the coach of Indian national women's hockey team with the goal of turning its 16 continental player into an award-winning team. The film is based on the life of Meer Ranjan Negi. Sahni, a screenwriter, was inspired by the Indian women's national field hockey team's win at the 2002 Commonwealth Games to develop Chak De India script after reading about it in a newspaper. The screenplay was fictional and the characters were inspired by a real team and coaches were invented by Sahni. Kabir Khan's struggles bore resemblance of the phase faced by real hockey life player Meer Ranjan Negi, although Sahni was unaware of Negi's tribulation while writing the scripts. On the suggestion of Maharaja Krishan Kaushik, the coaches of women's hockey team, Sahni invited Negi to join the film's production team. In this movie, Chak De India opens in Delhi during the final minutes of Hockey World Cup match between Pakistan and India. The Pakistan leading 1-0 when Indian team captain Kabir Singh is folded. He takes a penalty stroke. His shot just misses, causing India to lose the match. Soon afterward, media outlets circulate a photograph of Khan shaking hands and congratulating the Pakistan captain. The supporting gesture is misunderstood and Khan is suspected of throwing the game out of sympathy towards Pakistan. Namaskar doston, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे. तो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में. दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपको अच्छी अच्छी मूवी की रिव्यूज़ देता हूँ जिसमें हॉलीवुड, बॉलीवुड, पंजाबी, साउथ इंडियन सारी फिल्म होती हैं. दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें. इससे मोटिवेट होकर मैं आपको अच्छी अच्छी मूवी के रिव्यू ला के देता रहूँगा. दोस्तों, आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. दोस्तों, वैसे तो बॉलीवुड हॉलीवुड दोनों ही मूवी के रिव्यू लेके आता हूँ, लेकिन जिस मूवी का रिव्यू आज मैं लेके आया हूँ वो एक बॉलीवुड मूवी है जिसका नाम है चक दे इंडिया. तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए. चक दे इंडिया. चक दे इंडिया इज अ 2007 इंडियन स्पोर्ट्स फिल्म विच इज़ डायरेक्टेड बाय शिमित अमीन, रिटन बाय जयदीप सहनी, प्रोड्यूस बाय आदित्य चोपड़ा, स्टारिंग डन बाय शाहरुख खान, विद्या मालवाड़े, शिल्पा शुक्ला, सागरिका घाटके, चित्रा शिरावत, विवान बैटेना, मोहित चौहान, जोश्री अरोरा, विवाह छिब्बर, अनीता नायर. सिनेमाटोग्राफी डन बाय सुदीप चटर्जी. वीवर्स एडिटेड बाय अमिताभ शुक्ला. म्यूजिक गिवन बाय सलीम सुलेमान. प्रोडक्शन कंपनी ऑफ मूवी वॉज यशराज फिल्म. डिस्ट्रीब्यूटेड बाय यशराज फिल्म. रिलीजिंग डेट ऑफ मूवी वॉज 10 अगस्त 2007. विद ड्यूरेशन 149 मिनट्स इन इंडिया इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज. द बजट ऑफ मूवी वॉज 20 करोड़ एंड अर्निंग एट बॉक्स ऑफिस वॉज नियरली 109 करोड़. In this movie, the film stars Shah Rukh Khan as Kabir Khan, former captain of Indian men's national field hockey team. After a disastrous loss of Pakistan, Khan is obstruct right from the sport, owning to leisure prodigies. 7 years later, in an attempt to redeem himself, he becomes the coach of Indian national women's hockey team with the goal of turning its 16 continental player into an award-winning team. The film is based on the life of Meer Ranjan Negi. Sahni, a screenwriter, was inspired by the Indian
वुमेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम्स विन एट द 2002 कॉमनवेल्थ गेम टू डेवलप चक दे इंडिया स्क्रिप्ट आफ्टर रीडिंग अबाउट इट इन ए न्यूज़पेपर द स्क्रीन प्ले वॉज फिक्शन एंड द करेक्टर्स वर इंस्पायर्ड बाय रियल टीम एंड कोचेज वर इन्वेंटेड बाय सहानी कबीर खान स्ट्रगल बोर रिजेंबल्स ऑफ द फेस फेस्ड बाय रियल हॉकी लाइव प्लेयर मीर रंजन नेगी ऑल्दो सहानी वॉज अनअवेयर नेगीज ट्रिबुलेशन वाइल राइटिंग द स्क्रिप्ट ऑन द सजेशन ऑफ महाराजा कृष्ण कौशिक द कोचिज ऑफ वुमेन्स हॉकी टीम सहानी इन्वाइटेड नेगी टू जॉइन द फिल्म प्रोडक्शन टीम इन दिस मूवी चक दे इंडिया ओपन्स इन दिल्ली ड्यूरिंग द फाइनल मिनट्स ऑफ हॉकी वर्ल्ड कप मैच बिटवीन पाकिस्तान इंडिया द पाकिस्तान लीडिंग 1-0 व्हेन इंडियन टीम कैप्टन कबीर सिंह इज फोल्डेड ही टेक्स अ पेनल्टी स्ट्रोक हिज शॉट जस्ट मिसेस कॉजिंग इंडिया टू लूज द मैच सून आफ्टरवर्ड मीडिया आउटलेट्स सर्कुलेट अ फोटोग्राफ ऑफ खान शेकिंग हैंड्स एंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग द पाकिस्तान कैप्टन द सपोर्टिंग गेस्ट इज अंडरस्टूड एंड खान इज सस्पेक्टेड ऑफ थ्रोइंग द गेम आउट ऑफ सिंपैथी टुवर्ड्स पाकिस्तान नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल में दोस्तों इस चैनल पर मैं आपको अच्छी अच्छी मूवी के रिव्यूज़ देता हूँ जिसमें हॉलीवुड बॉलीवुड पंजाबी साउथ इंडियन सारी फिल्म होती हैं दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें वीडियो को शेयर करें इससे मोटिवेट होकर मैं आपको अच्छी अच्छी मूवी के रिव्यू ला के देता रहूँगा दोस्तों आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों वैसे तो बॉलीवुड हॉलीवुड दोनों ही मूवी के रिव्यू लेके आता हूँ लेकिन जिस मूवी का रिव्यू आज मैं लेके आया हूँ वो एक बॉलीवुड मूवी है जिसका नाम है चक दे इंडिया तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए चक दे इंडिया इज अ 2007 इंडियन स्पोर्ट्स फिल्म विच इज़ डायरेक्टेड बाय शिमित अमीन रिटन बाय जयदीप सहनी प्रोड्यूस बाय आदित्य चोपड़ा स्टारिंग डन बाय शाहरुख खान विद्या मालवाड़े शिल्पा शुक्ला सागरिका घाटके चित्रा शिरावत विवान बैटेना मोहित चौहान जोश्री अरोरा विवा छिब्बर अनीता नायर सिनेमाटोग्राफी डन बाय सुदीप चटर्जी मूवी वॉज एडिटेड बाय अमिताभ शुक्ला म्यूजिक गिवन बाय सलीम सुलेमान प्रोडक्शन कंपनी ऑफ मूवी वॉज यशराज फिल्म डिस्ट्रीब्यूटेड बाय यशराज फिल्म रिलीजिंग डेट ऑफ मूवी वॉज 10 अगस्त 2007 विद ड्यूरेशन 149 मिनट्स इन इंडिया इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज द बजट ऑफ मूवी वॉज 20 करोड़ एंड अर्निंग एट बॉक्स ऑफिस वॉज नियरली 109 करोड़ इन दिस मूवी द फिल्म स्टार शाहरुख खान एज कबीर खान फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम आफ्टर आर डिसास्ट्रस लॉस ऑफ पाकिस्तान खास इज ऑब्स्ट्रक राइट फ्रॉम द स्पोर्ट ओनिंग टू रिलीज यर प्रोड्यूस 7 years later इन एन अटेम्प्ट टू रिडीम हिमसेल्फ ही बिकम द कोच ऑफ इंडियन नेशनल वुमेन्स हॉकी टीम विद द गोल ऑफ टर्निंग इट्स 16 कॉन्टिनेंटल प्लेयर इंटू एन अवार्ड विनिंग टीम द फिल्म इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ मीर रंजन नेगी सानिया स्क्रीन राइटर वॉज इंस्पायर्ड बाय द इंडियन वुमेन्स नेशनल फील्ड हॉकी टीम्स विन एट द 2002 कॉमनवेल्थ गेम टू डेवलप चक दे इंडिया स्क्रिप्ट आफ्टर रीडिंग अबाउट इट इन ए न्यूज़पेपर द स्क्रीन प्ले वॉज फिक्शन एंड द करेक्टर्स वर इंस्पायर्ड बाय रियल टीम एंड कोचेज वर इन्वेंटेड बाय सहानी कबीर खान स्ट्रगल बोर रिजेंबल्स ऑफ द फेस फेस्ड बाय रियल हॉकी लाइव प्लेयर मीर रंजन नेगी ऑल्दो सहानी वॉज अनअवेयर नेगीज ट्रिबुलेशन वाइल राइटिंग द स्क्रिप्ट ऑन द सजेशन ऑफ महाराजा कृष्ण कौशिक द कोचिज ऑफ वुमेन्स हॉकी टीम सहानी इन्वाइटेड नेगी टू जॉइन द फिल्म प्रोडक्शन टीम इन दिस मूवी चक दे इंडिया ओपन्स इन दिल्ली ड्यूरिंग द फाइनल मिनट्स ऑफ हॉकी वर्ल्ड कप मैच बिटवीन पाकिस्तान इंडिया द पाकिस्तान लीडिंग 1-0 व्हेन इंडियन टीम कैप्टन कबीर सिंह इज फोल्डेड ही टेक्स अ पेनल्टी स्ट्रोक हिज शॉट जस्ट मिसेस कॉजिंग इंडिया टू लूज द मैच सून आफ्टरवर्ड मीडिया आउटलेट्स सर्कुलेट अ फोटोग्राफ ऑफ खान शेकिंग हैंड्स एंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग द पाकिस्तान कैप्टन द सपोर्टिंग गेस्ट इज अंडरस्टूड एंड खान इज सस्पेक्टेड ऑफ थ्रोइंग द गेम आउट ऑफ सिंपैथी टुवर्ड्स पाकिस्तान नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल में दोस्तों इस चैनल पर मैं आपको अच्छी अच्छी मूवी के रिव्यूज़ देता हूँ जिसमें हॉलीवुड बॉलीवुड पंजाबी साउथ इंडियन सारी फिल्म होती हैं
दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। इससे मोटिवेट होकर मैं आपको अच्छी अच्छी मूवी के रिव्यू ला के देता रहूँगा। दोस्तों आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों वैसे तो बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों ही मूवी के रिव्यू लेके आता हूँ, लेकिन जिस मूवी का रिव्यू आज मैं लेके आया हूँ वो एक बॉलीवुड मूवी है जिसका नाम है चक दे इंडिया। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया इज़ अ 2007 इंडियन स्पोर्ट्स फिल्म विच इज़ डायरेक्टेड बाय शिमित अमीन, रिटन बाय जयदीप सहनी, प्रोड्यूस बाय आदित्य चोपड़ा, स्टारिंग डन बाय शाहरुख खान, विद्या मालवाड़े, शिल्पा शुक्ला, सागरिका घाटके, चित्रा शेरावत, विवान बैटेना, मोहित चौहान, जोश्री अरोरा, विवा छिब्बर, अनीता नायर। सिनेमाटोग्राफी डन बाय सुदीप चटर्जी। मूवी वॉज एडिटेड बाय अमिताभ शुक्ला। म्यूजिक गिवन बाय सलीम सुलेमान। प्रोडक्शन कंपनी ऑफ मूवी वॉज यशराज फिल्म। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय यशराज फिल्म। रिलीजिंग डेट ऑफ मूवी वॉज 10 अगस्त 2007। विद ड्यूरेशन 149 मिनट्स इन इंडिया एंड हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। द बजट ऑफ मूवी वॉज 20 करोड़ एंड अर्निंग एट बॉक्स ऑफिस वॉज नियरली 109 करोड़। इन दिस मूवी द फिल्म स्टार शाहरुख खान एज कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मैंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम। आफ्टर आर डिसास्ट्रस लॉस ऑफ पाकिस्तान खास इज ऑब्स्ट्रक राइट फ्रॉम द स्पोर्ट ओनिंग टू रिलीज यर प्रोड्यूस 7 years later इन एन अटेम्प्ट टू रिडीम हिमसेल्फ ही बिकम द कोच ऑफ इंडियन नेशनल वुमेन्स हॉकी टीम विद द गोल ऑफ टर्निंग इट्स 16 कॉन्टिनेंटल प्लेयर इन टू एन अवार्ड विनिंग टीम। द फिल्म इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ मीर रंजन नेगी। सानिया स्क्रीन राइटर वॉज इंस्पायर्ड बाय द इंडियन वुमेन्स नेशनल फील्ड हॉकी टीम्स विन एट द 2002 कॉमनवेल्थ गेम टू डेवलप चक दे इंडिया स्क्रिप्ट आफ्टर रीडिंग अबाउट इट इन ए न्यूज़पेपर। द स्क्रीन प्ले वॉज फिक्शनल एंड द कैरेक्टर्स वर इंस्पायर्ड बाय रियल टीम एंड कोचेज वर इन्वेंटेड बाय सहानी। कबीर खान स्ट्रगल बोर रिजेंबल्स ऑफ द फेस फेस्ड बाय रियल हॉकी लाइफ प्लेयर मीर रंजन नेगी। ऑल्दो सहानी वॉज अनअवेयर नेगीज ट्रिबुलेशन वाइल राइटिंग द स्क्रिप्ट ऑन द सजेशन ऑफ महाराजा कृष्ण कौशिक द कोचेज ऑफ वुमेन्स हॉकी टीम सहानी इन्वाइटेड नेगी टू जॉइन द फिल्म प्रोडक्शन टीम। In this movie, Chak Dae India opens in Delhi during the final minutes of Hockey World Cup match between Pakistan and India. The Pakistan leading 1-0 when Indian team captain Kabir Singh is folded. He takes a penalty stroke. His shot just misses, causing India to lose the match. Soon afterward, media outlets circulate a photograph of Khan shaking hands and congratulating the Pakistan captain. The supporting gesture is misunderstood and Khan is suspected of throwing the game out of sympathy towards Pakistan. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों इस चैनल पर मैं आपको अच्छी अच्छी मूवी की रिव्यूज़ देता हूँ जिसमें हॉलीवुड, बॉलीवुड, पंजाबी, साउथ इंडियन सारी फिल्म होती हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। इससे मोटिवेट होकर मैं आपको अच्छी अच्छी मूवी के रिव्यू ला के देता रहूँगा। दोस्तों आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों वैसे तो बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों ही मूवी के रिव्यू लेके आता हूँ, लेकिन जिस मूवी का रिव्यू आज मैं लेके आया हूँ वो एक बॉलीवुड मूवी है जिसका नाम है चक दे इंडिया। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया इज़ अ 2007 इंडियन स्पोर्ट्स फिल्म विच इज़ डायरेक्टेड बाय शिमित अमीन, रिटन बाय जयदीप सहनी, प्रोड्यूस बाय आदित्य चोपड़ा, स्टारिंग डन बाय शाहरुख खान, विद्या मालवाड़े, शिल्पा शुक्ला, सागरिका घाटके, चित्रा शेरावत, विवान बैटेना, मोहित चौहान, जोश्री अरोरा, विवा छिब्बर, अनीता नायर। सिनेमाटोग्राफी डन बाय सुदीप चटर्जी। मूवी वॉज एडिटेड बाय अमिताभ शुक्ला। म्यूजिक गिवन बाय सलीम सुलेमान। प्रोडक्शन कंपनी ऑफ मूवी वॉज यशराज फिल्म। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय यशराज फिल्म। रिलीजिंग डेट ऑफ मूवी वॉज 10 अगस्त 2007। विद ड्यूरेशन 149 मिनट्स इन इंडिया
इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। द बजट ऑफ मूवी वॉज 20 करोड़ एंड अर्निंग एट बॉक्स ऑफिस वॉज नियरली 109 करोड़। इन दिस मूवी द फिल्म स्टार शाहरुख खान एज कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मैंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम। आफ्टर आर डिसास्ट्रस लॉस ऑफ पाकिस्तान खाजिज ऑब्स्ट्रक राइट फ्रॉम द स्पोर्ट ओनिंग टू लीजियर प्रोड्यूस 7 years later in an attempt to redeem himself, he became the coach of Indian national women's hockey team with the goal of turning its 16 continental player into an award-winning team. The film is based on the life of Meer Ranjan Negi. Sani, a screenwriter, was inspired by the Indian women's national field hockey team's win at the 2002 Commonwealth Games to develop Chak De India script after reading about it in a newspaper. The screenplay was fictional and the characters were inspired by a real team and coaches were invented by Sahani. Kabir Khan's struggles bore resemblance of the face faced by real hockey life player Meer Ranjan Negi, although Sahani was unaware of Negi's tribulation while writing the scripts. On the suggestion of Maharaja Krishan Kaushik, the coaches of women's hockey team, Sahani invited Negi to join the film's production team. In this movie, Chak De India opens in Delhi during the final minutes of Hockey World Cup match between Pakistan and India. The Pakistan leading 1-0 when Indian team captain Kabir Singh is folded. He takes a penalty stroke. His shot just misses, causing India to lose the match. Soon afterward, media outlets circulate a photograph of Khan shaking hands and congratulating the Pakistan captain. The supporting gesture is misunderstood and Khan is suspected of throwing the game out of sympathy towards Pakistan. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपको अच्छी अच्छी मूवी की रिव्यूज़ देता हूँ, जिसमें हॉलीवुड, बॉलीवुड, पंजाबी, साउथ इंडियन सारी फिल्म होती हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। इससे मोटिवेट होकर मैं आपको अच्छी अच्छी मूवी के रिव्यू ला के देता रहूँगा। दोस्तों, आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, वैसे तो बॉलीवुड हॉलीवुड दोनों ही मूवी के रिव्यू लेके आता हूँ, लेकिन जिस मूवी का रिव्यू आज मैं लेके आया हूँ वो एक बॉलीवुड मूवी है, जिसका नाम है चक दे इंडिया। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया इज़ अ 2007 इंडियन स्पोर्ट्स फिल्म विच इज़ डायरेक्टेड बाय शिमित अमीन, रिटन बाय जयदीप सहनी, प्रोड्यूस बाय आदित्य चोपड़ा, स्टारिंग डन बाय शाहरुख खान, विद्या मालवाड़े, शिल्पा शुक्ला, सागरिका घाटके, चित्रा शिरावत, विवान बैटेना, मोहित चौहान, जोश्री अरोरा, विवा छिब्बर, अनीता नायर। सिनेमाटोग्राफी डन बाय सुदीप चटर्जी। मूवी वॉज एडिटेड बाय अमिताभ शुक्ला। म्यूजिक गिवन बाय सलीम सुलेमान। प्रोडक्शन कंपनी ऑफ मूवी वॉज यशराज फिल्म। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय यशराज फिल्म। रिलीजिंग डेट ऑफ मूवी वॉज 10 August 2007। विद ड्यूरेशन 149 minutes इन इंडिया इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। द बजट ऑफ मूवी वॉज 20 करोड़ एंड अर्निंग एट बॉक्स ऑफिस वॉज नियरली 109 करोड़। इन दिस मूवी द फिल्म स्टार शाहरुख खान एज कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मैंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम। आफ्टर आर डिसास्ट्रस लॉस ऑफ पाकिस्तान खाजिज ऑब्स्ट्रक राइट फ्रॉम द स्पोर्ट ओनिंग टू लीजियर प्रोड्यूस 7 years later in an attempt to redeem himself, he became the coach of Indian national women's hockey team with the goal of turning its 16 continental player into an award-winning team. The film is based on the life of Meer Ranjan Negi. Sani, a screenwriter, was inspired by the Indian women's national field hockey team's win at the 2002 Commonwealth Games to develop Chak De India script after reading about it in a newspaper. The screenplay was fictional and the characters were inspired by a real team and coaches were invented by Sahani. Kabir Khan's struggles bore resemblance of the face faced by real hockey life player Meer Ranjan Negi, although Sahani was unaware of Negi's tribulation while writing the scripts. On the suggestion of Maharaja Krishan Kaushik, the coaches of
वुमेन्स हॉकी टीम सान इनवाइटेड नेगी टू ज्वाइन द फिल्म प्रोडक्शन टीम। इन दिस मूवी चेक द इंडिया ओपन्स इन दिल्ली ड्यूरिंग द फाइनल मिनट्स ऑफ हॉकी वर्ल्ड कप मैच बिटवीन पाकिस्तान इंडिया। द पाकिस्तान लीडिंग 1-0 व्हेन इंडियन टीम कैप्टन कबीर सिंह इज फोल्डेड। ही टेक्स अ पेनल्टी स्ट्रोक। हिज शॉट जस्ट मिसेस कॉजिंग इंडिया टू लूज द मैच। सून आफ्टरवर्ड मीडिया आउटलेट्स सर्कुलेट अ फोटोग्राफ ऑफ खान शेकिंग हैंड्स एंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग द पाकिस्तान कैप्टन। द सपोर्टिंग गेस्चर इज अंडरस्टूड एंड खान इज सस्पेक्टेड ऑफ थ्रोइंग द गेम आउट ऑफ सिंपैथी टुवर्ड्स पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों इस चैनल पर मैं आपको अच्छी अच्छी मूवी के रिव्यूज देता हूँ, जिसमें हॉलीवुड बॉलीवुड पंजाबी साउथ इंडियन सारी फिल्म होती हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। इससे मोटिवेट होकर मैं आपको अच्छी अच्छी मूवी के रिव्यू ला के देता रहूँगा। दोस्तों आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों वैसे तो बॉलीवुड हॉलीवुड दोनों ही मूवी के रिव्यू लेके आता हूँ, लेकिन जिस मूवी का रिव्यू आज मैं लेके आया हूँ वो एक बॉलीवुड मूवी है, जिसका नाम है चक दे इंडिया। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। चक दे इंडिया। चक दे इंडिया इज़ अ 2007 इंडियन स्पोर्ट्स फिल्म विच इज़ डायरेक्टेड बाय शिमित अमीन, रिटन बाय जयदीप सहनी, प्रोड्यूस बाय आदित्य चोपड़ा, स्टारिंग डन बाय शाहरुख खान, विद्या मालवाड़े, शिल्पा शुक्ला, सागरिका घाटके, चित्रा शिरावत, विवान बैटेना, मोहित चौहान, जोश्री अरोरा, विवा छिब्बर, अनीता नायर। सिनेमाटोग्राफी डन बाय सुदीप चटर्जी। मूवी वॉज एडिटेड बाय अमिताभ शुक्ला। म्यूजिक गिवन बाय सलीम सुलेमान। प्रोडक्शन कंपनी ऑफ मूवी वॉज यशराज फिल्म। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय यशराज फिल्म। रिलीजिंग डेट ऑफ मूवी वॉज 10 अगस्त 2007। विद ड्यूरेशन 149 मिनट्स इन इंडिया एंड हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। द बजट ऑफ मूवी वॉज 20 करोड़ एंड अर्निंग एट बॉक्स ऑफिस वॉज नियरली 109 करोड़। इन दिस मूवी द फिल्म स्टार शाहरुख खान एज कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मैंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम। आफ्टर आर डिसास्ट्रस लॉस ऑफ पाकिस्तान खास इज ऑब्स्ट्रक राइट फ्रॉम द स्पोर्ट ओनिंग टू रिलीज यर प्रोड्यूस 7 years later इन एन अटेम्प्ट टू रिडीम हिमसेल्फ ही बिकम द कोच ऑफ इंडियन नेशनल वुमेन्स हॉकी टीम विद द गोल ऑफ टर्निंग इट्स 16 continental प्लेयर इन टू एन अवार्ड विनिंग टीम। द फिल्म इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ मीर रंजन नेगी। सानिया स्क्रीन राइटर वॉज इंस्पायर्ड बाय द इंडियन वुमेन्स नेशनल फील्ड हॉकी टीम्स विन एट द 2002 कॉमनवेल्थ गेम टू डेवलप चक दे इंडिया स्क्रिप्ट। आफ्टर रीडिंग अबाउट इट इन ए न्यूज़पेपर द स्क्रीन प्ले वॉज फिक्शनल एंड द करेक्टर्स वर इंस्पायर्ड बाय रियल टीम एंड कोचेज वर इन्वेंटेड बाय सहानी। कबीर खान स्ट्रगल बोर रिजेंबल्स ऑफ द फेस फेस्ड बाय रियल हॉकी लाइफ प्लेयर मीर रंजन नेगी। ऑल्दो सहानी वॉज अनअवेयर नेगीज ट्रिबुलेशन वाइल राइटिंग द स्क्रिप्ट। ऑन द सजेशन ऑफ महाराजा कृष्ण कौशिक द कोचिज ऑफ वुमेन्स हॉकी टीम सानी इन्वाइटेड नेगी टू ज्वाइन द फिल्म प्रोडक्शन टीम। इन दिस मूवी चक दे इंडिया ओपन्स इन दिल्ली ड्यूरिंग द फाइनल मिनट्स ऑफ हॉकी वर्ल्ड कप मैच बिटवीन पाकिस्तान इंडिया। द पाकिस्तान लीडिंग 1-0 व्हेन इंडियन टीम कैप्टन कबीर सिंह इज फोल्डेड। ही टेक्स अ पेनल्टी स्ट्रोक। हिज शॉट जस्ट मिसेस कॉजिंग इंडिया टू लूज द मैच। सून आफ्टरवर्ड मीडिया आउटलेट्स सर्कुलेट अ फोटोग्राफ ऑफ खान शेकिंग हैंड्स एंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग द पाकिस्तान कैप्टन। द सपोर्टिंग गेस्चर इज अंडरस्टूड एंड खान इज सस्पेक्टेड ऑफ थ्रोइंग द गेम आउट ऑफ सिंपैथी टुवर्ड्स पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों इस चैनल पर मैं आपको अच्छी अच्छी मूवी के रिव्यूज देता हूँ, जिसमें हॉलीवुड बॉलीवुड पंजाबी साउथ इंडियन सारी फिल्म होती हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। इससे मोटिवेट होकर मैं आपको अच्छी अच्छी मूवी के रिव्यू ला के देता रहूँगा। दोस्तों आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों वैसे तो बॉलीवुड हॉलीवुड दोनों ही मूवी के रिव्यू लेके आता हूँ, लेकिन जिस मूवी का रिव्यू आज मैं लेके आया हूँ वो एक बॉलीवुड मूवी है, जिसका नाम है चक दे इंडिया। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। चक दे इंडिया। चक दे इंडिया इज़ अ 2007 इंडियन
स्पोर्ट्स फिल्म विच इज़ डायरेक्टेड बाय शिमित अमीन, रिटन बाय जयदीप सहनी, प्रोड्यूस बाय आदित्य चोपड़ा, स्टारिंग डन बाय शाहरुख खान, विद्या मालवाडे, शिल्पा शुक्ला, सागरिका घाटके, चित्रा शिरावत, विवान बैटेना, मोहित चौहान, जोश्री अरोरा, विवा छिब्बर, अनीता नायर। सिनेमेटोग्राफी डन बाय सुदीप चटर्जी। मूवी वॉज एडिटेड बाय अमिताभ शुक्ला। म्यूजिक गिवन बाय सलीम सुलेमान। प्रोडक्शन कंपनी ऑफ मूवी वॉज यशराज फिल्म। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय यशराज फिल्म। रिलीजिंग डेट ऑफ मूवी वॉज 10 अगस्त 2007। विद ड्यूरेशन 149 मिनट्स इन इंडिया एंड हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। द बजट ऑफ मूवी वॉज 20 करोड़ एंड अर्निंग एट बॉक्स ऑफिस वॉज नियरली 109 करोड़। इन दिस मूवी द फिल्म स्टार शाहरुख खान एज कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मैंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम। आफ्टर आर डिसास्ट्रस लॉस ऑफ पाकिस्तान खास इज ऑब्स्ट्रक राइट फ्रॉम द स्पोर्ट ओनिंग टू रिलीज यर प्रोड्यूस 7 years later इन एन अटेम्प्ट टू रिडीम हिमसेल्फ ही बिकम द कोच ऑफ इंडियन नेशनल वुमेन्स हॉकी टीम विद द गोल ऑफ टर्निंग इट्स 16 कॉन्टिनेंटल प्लेयर इन टू एन अवार्ड विनिंग टीम। द फिल्म इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ मीर रंजन नेगी। सानिया स्क्रीन राइटर वॉज इंस्पायर्ड बाय द इंडियन वुमेन्स नेशनल फील्ड हॉकी टीम्स विन एट द 2002 कॉमनवेल्थ गेम टू डेवलप चक दे इंडिया स्क्रिप्ट आफ्टर रीडिंग अबाउट इट इन ए न्यूज़पेपर। द स्क्रीन प्ले वॉज फिक्शनल एंड द कैरेक्टर्स वर इंस्पायर्ड बाय रियल टीम एंड कोचेज वर इन्वेंटेड बाय सहानी। कबीर खान स्ट्रगल बोर रिजेंबल्स ऑफ द फेस फेस्ड बाय रियल हॉकी लाइफ प्लेयर मीर रंजन नेगी। ऑल्दो सहानी वॉज अनअवेयर नेगीज ट्रिबुलेशन वाइल राइटिंग द स्क्रिप्ट ऑन द सजेशन ऑफ महाराजा कृष्ण कौशिक द कोचिज ऑफ वुमेन्स हॉकी टीम सहानी इन्वाइटेड नेगी टू जॉइन द फिल्म प्रोडक्शन टीम। In this movie, Chak De Op, India opens in Delhi during the final minutes of Hockey World Cup match between Pakistan and India. The Pakistan leading 1-0 when Indian team captain Kabir Singh is folded. He takes a penalty stroke. His shot just misses, causing India to lose the match. Soon afterward, media outlets circulate a photograph of Khan shaking hands and congratulating the Pakistan captain. The supporting gesture is misunderstood and Khan is suspected of throwing the game out of sympathy towards Pakistan. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपको अच्छी अच्छी मूवी के रिव्यूज़ देता हूँ जिसमें हॉलीवुड, बॉलीवुड, पंजाबी, साउथ इंडियन सारी फिल्म होती हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। इससे मोटिवेट होकर मैं आपको अच्छी अच्छी मूवी के रिव्यू ला के देता रहूँगा। दोस्तों, आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, वैसे तो बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों ही मूवी के रिव्यू लेके आता हूँ, लेकिन जिस मूवी का रिव्यू आज मैं लेके आया हूँ वो एक बॉलीवुड मूवी है जिसका नाम है चक दे इंडिया। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। चक दे इंडिया। चक दे इंडिया इज अ 2007 इंडियन स्पोर्ट्स फिल्म विच इज़ डायरेक्टेड बाय शिमित अमीन, रिटन बाय जयदीप सहनी, प्रोड्यूस बाय आदित्य चोपड़ा, स्टारिंग डन बाय शाहरुख खान, विद्या मालवाडे, शिल्पा शुक्ला, सागरिका घाटके, चित्रा शिरावत, विवान बैटेना, मोहित चौहान, जोश्री अरोरा, विवा छिब्बर, अनीता नायर। सिनेमेटोग्राफी डन बाय सुदीप चटर्जी। मूवी वॉज एडिटेड बाय अमिताभ शुक्ला। म्यूजिक गिवन बाय सलीम सुलेमान। प्रोडक्शन कंपनी ऑफ मूवी वॉज यशराज फिल्म। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय यशराज फिल्म। रिलीजिंग डेट ऑफ मूवी वॉज 10 अगस्त 2007। विद ड्यूरेशन 149 मिनट्स इन इंडिया एंड हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। द बजट ऑफ मूवी वॉज 20 करोड़ एंड अर्निंग एट बॉक्स ऑफिस वॉज नियरली 109 करोड़। इन दिस मूवी द फिल्म स्टार शाहरुख खान एज कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मैंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम। आफ्टर आर डिसास्ट्रस लॉस ऑफ पाकिस्तान खास इज ऑब्स्ट्रक राइट फ्रॉम द स्पोर्ट ओनिंग टू रिलीज यर प्रोड्यूस
7 years later, in an attempt to redeem himself, he became the coach of Indian national women's hockey team with the goal of turning its 16 continental player into an award-winning team. The film is based on the life of Meer Ranjan Negi. Sahni, a screenwriter, was inspired by the Indian women's national field hockey team's win at the 2002 Commonwealth Games to develop Chak De India script after reading about it in a newspaper. The screenplay was fictional and the characters were inspired by a real team, and coaches were invented by Sahni. Kabir Khan's struggles bore resemblance of the face faced by real hockey life player Meer Ranjan Negi. Although Sahni was unaware of Negi's tribulation while writing the scripts, on the suggestion of Maharaja Krishan Kaushik, the coaches of women's hockey team, Sahni invited Negi to join the film's production team. In this movie, Chak De India opens in Delhi during the final minutes of Hockey World Cup match between Pakistan and India. The Pakistan leading 1-0 when Indian team captain Kabir Singh is folded. He takes a penalty stroke. His shot just misses, causing India to lose the match. Soon afterward, media outlets circulate a photograph of Khan shaking hands and congratulating the Pakistan captain. The supporting gesture is misunderstood and Khan is suspected of throwing the game out of sympathy towards Pakistan. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपको अच्छी अच्छी मूवी की रिव्यूज़ देता हूँ, जिसमें हॉलीवुड, बॉलीवुड, पंजाबी, साउथ इंडियन सारी फिल्म होती हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। इससे मोटिवेट होकर मैं आपको अच्छी अच्छी मूवी के रिव्यू ला के देता रहूँगा। दोस्तों, आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, वैसे तो बॉलीवुड हॉलीवुड दोनों ही मूवी के रिव्यू लेके आता हूँ, लेकिन जिस मूवी का रिव्यू आज मैं लेके आया हूँ वो एक बॉलीवुड मूवी है, जिसका नाम है चक दे इंडिया। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया इज़ अ 2007 इंडियन स्पोर्ट्स फिल्म विच इज़ डायरेक्टेड बाय शिमित अमीन, रिटन बाय जयदीप सहनी, प्रोड्यूस बाय आदित्य चोपड़ा, स्टारिंग डन बाय शाहरुख खान, विद्या मालवाड़े, शिल्पा शुक्ला, सागरिका घाटके, चित्रा शिरावत, विवान बैटेना, मोहित चौहान, जोश्री अरोरा, विवा छिब्बर, अनीता नायर। सिनेमाटोग्राफी डन बाय सुदीप चटर्जी। मूवी वॉज एडिटेड बाय अमिताभ शुक्ला। म्यूजिक गिवन बाय सलीम सुलेमान। प्रोडक्शन कंपनी ऑफ मूवी वॉज यशराज फिल्म। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय यशराज फिल्म। रिलीजिंग डेट ऑफ मूवी वॉज 10 अगस्त 2007। विद ड्यूरेशन 149 मिनट्स इन इंडिया इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। द बजट ऑफ मूवी वॉज 20 करोड़ एंड अर्निंग एट बॉक्स ऑफिस वॉज नियरली 109 करोड़। इन दिस मूवी द फिल्म स्टार शाहरुख खान एज कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मैंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम। आफ्टर आर डिसास्ट्रस लॉस ऑफ पाकिस्तान खास इज ऑब्स्ट्रक राइट फ्रॉम द स्पोर्ट ओनिंग टू रिलीज यर प्रोड्यूस। 7 years later, in an attempt to redeem himself, he became the coach of Indian national women's hockey team with the goal of turning its 16 continental player into an award-winning team. The film is based on the life of Meer Ranjan Negi. Sahni, a screenwriter, was inspired by the Indian women's national field hockey team's win at the 2002 Commonwealth Games to develop Chak De India script after reading about it in a newspaper. The screenplay was fictional and the characters were inspired by a real team and coaches were invented by Sahni. Kabir Khan's struggles bore resemblance of the face faced by real hockey life player Meer Ranjan Negi. Although Sahni was unaware of Negi's tribulation while writing the scripts, on the suggestion of Maharaja Krishan Kaushik, the coaches of women's hockey team, Sahni invited Negi to join the film's production team. In this movie, Chak De India opens in Delhi during the final minutes of Hockey World Cup match between Pakistan and India. The Pakistan leading 1-0 when Indian team captain Kabir Singh is folded. He takes a penalty stroke. His shot just misses, causing India to lose the match. Soon afterward, media outlets circulate a photograph of Khan shaking hands and congratulating the Pakistan captain.
द सपोर्टिंग गेस्चर इज अंडरस्टूड एंड खान इज सस्पेक्टेड ऑफ थ्रोइंग द गेम आउट ऑफ सिंपैथी टुवर्ड्स पाकिस्तान।